Hello and welcome everyone. Welcome to today's session of Tech Friday. So guys, just to do a mic check and video check, aap logon ko meri awaaz aa rahi hai theek se? Can you hear me properly? Yes, we can. Okay, great. So we will begin shortly. So first of all, let me wish you a very, very happy new year to everyone. Same to you, sir. Thank you, जी, thank you. And it will be nice if you can keep the cameras on, तो थोड़ा सा हमारे को एक interaction करने का मौका मिलेगा आपसे. तो I can see a few people, I can see Manoj, I can see Gaurav. Great, I can see Harish. Good afternoon, sir. Happy New Year. Yeah, good afternoon and same to you. Thank you, sir. Great. So guys, आप लोग किस किस सिटी से हैं? If you can type in the chat from which city you belong. So we will be starting off in just a minute. So we have people from Calcutta, Delhi. Thank you, Udaya. Ahmedabad, Raipur. Ghaziabad. Okay, we have Ijlal from Muradabad. Okay, more people from Ghaziabad. So great. So welcome everyone. Aaj bada hi exciting session hai. तो इट्स अ स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर एंड मैंने जो चीज सीखी है कि साल को कैसे स्टार्ट करना चाहिए आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू बट बिफोर आई डू दैट आई लाइक टू लर्न फ्रॉम यू तो गाइस आप लोग जो हैं आपको पता है कि मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूं और टेक्नोलॉजी ही से टेक्नोलॉजी की सांस लेता हूं ठीक है ना अंदर लेता हूं तो भी टेक्नोलॉजी जाती है बाहर छोड़ता हूं तो भी टेक्नोलॉजी जाती है मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों का टेक्नोलॉजी का कैसा वो चल रहा है सो समवन वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन यूजिंग टेक्नोलॉजी एनीवन व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन विद यू किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हाउ हैज टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यू एनीवन वुड लाइक टू शेयर ओके मे बी आई कैन आस्क हरीश और करण प्लीज गो अहेड या गुड आफ्टरनून वंस अगेन सर गुड आफ्टरनून सर टेक्नोलॉजी इज डूइंग गुड सर और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉकडाउन तो ज्यादा ये यूजफुल लगना शुरू हो जाता है तो आपने लास्ट ईयर में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हाउ डिड यू यूज टेक्नोलॉजी इन लास्ट ईयर सर लास्ट ईयर मैंने सारा जितना भी हमारे बिलिंग्स हैं और जितने भी प्रोसेसेस हैं जिसमें शोरूम की जरूरत पड़ती है या अभी लास्ट ईयर जैसे लॉकडाउन पे भी हमने वी कुड कॉल आवर कस्टमर्स जितना भी मेरी 10-12 ईयर्स के डेटाबेस था उनको सब एक फाइल में एक शीट पे मैंने उसको वो कर दिया पेज करने के बाद में और सबको डेटा कॉलिंग डेटा दे दिया अपने स्टाफ को इंडिविजुअली मतलब किसी को एलईडी का किसी को रेफ्रिजरेटर्स का ऐसे सेग्रीगेट करके एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग ऑल दोज ओल्ड कस्टमर्स देर वॉज मैनी थिंग्स विच वर मिसिंग जो हमारे डेली डे टू डे में नोटिस में नहीं आई थी There were few complaints, few corrections what we required. तो वो बहुत ज़्यादा inputs बहुत work किए sir. और वो सब उनको उनको fill out कैसे करना था कि उनको every after call they have to fill out a form, Google form, जिसमें हमें पता चल जाता था कि वो किसने कितनी callings की हैं. Okay. और वो customer को फिर automated message भी चला जाता था being a thank you for being a valuable customer. और next दो दिन के बाद फिर एक एक और help desk का message आता था in case he is facing any problem in the product, so he can register a call. ऑनलाइन तो सब कुछ ही उसी के ऊपर फेयर हो गया था सर एंड दैट वाज कस्टमर्स आल्सो अप्रिशिएटेड कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आल्सो वी वर गिविंग दोस सर्विसेज टू द कस्टमर एंड द बेस्ट पार्ट वी वर एबल टू इन टच विद ऑल आवर डेटाबेस तो सारा क्लाउड बेस्ड हो गया तो इट्स वेरी इजी फॉर मी सबसे जूम में मॉर्निंग में एक बार मीटिंग करके एंड आई यूज टू गिव देम और टास्क इवन आज भी यही चीज हुई बिकॉज बीइंग इवन ऑड नंबर तो आज हमारा डे नहीं था
सो आई गिवन देम टास्क कि आज आपको ये कॉलिंग्स करनी है एंड डिस्पैचेस फिर भी हम लोग कर पा रहे थे फ्रॉम आवर वेयर हाउस बट फिजिकल स्टोर्स वर नॉट ओपन सो इट्स ऑल ऑटोमेट तो व्हाट्सएप तो मेरा बहुत वैसे भी टच वर्ड स्ट्रॉन्ग है ऑल मैसेजेस एवरीथिंग इज इवन फ्रॉम माय डे टू डे रिपोर्टिंग ये जो आपने शुरू किया जो अपना डेटाबेस को मतलब आपने कैपिटलाइज किया तो उससे बिजनेस में ग्रोथ हुआ यस सर इट हेल्प मी टू बहुत करेक्शंस भी करने की चीजें हुई सो बहुत हेल्पफुल था आई हैव अ डेटाबेस ऑफ मोर देन 70,000 कस्टमर्स नाउ वेरी नाइस तो मतलब कि अब ये जो पैंडेमिक है इसमें मतलब आप एक ऑनलाइन भी अब बिजनेस बिल्ड करने का वी आर ऑन सो वी आर ऑन स्टिल ऑन सो आई हैव गिवन देम टास्क वो आज से ही कॉलिंग स्टार्ट कर दिए दोबारा कस्टमर्स को एंड दे दो दिन अब जो हैं सो व्हेन इट ओपन्स विल गेट द प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स वेरी नाइस थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग यू वांटेड टू शेयर कि आपने लास्ट ईयर में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया करण आर यू देयर ओह यस सर हाय हाय आई जस्ट देयर सम ग्लिच आई कुड नॉट हियर यू या सो आई वाज आस्किंग यू टू शेयर कि लास्ट ईयर में आपने टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया there are two parts to the what I learned from you and CYT works and everything a by using technology our business and my personal tension and the stress levels went down a lot was everything you could manage and you could control everything sitting at one place right but on the contrary jo older staff tha which was in our organization for like 10 15 20 years jinko ek kaam karne ki aadat ek hi flow mein thi unko online lana ya unko karna that was a very big challenge for us because obviously they don't want to be computer they are not computer savvy or they are not like that but on the contrary once we started using technology like all your sheets and everything the end result was that we could save up on some staff cost we could improve our customer service and we could communicate better to with our customers thus building a better brand or better and doing work in a much more organized way so whatever we could manage 5 to 10 times of that volume using your sheets and your technology what you teach us matlab 5 to 10 times scalability badh gayi aapki haan ji right I think that is an amazing achievement because aap keh rahe ho ki maine staff bhi kam kar diya aur meri jo scalability hai matlab ki you know the lesser staff can do 5 to 10 times the work right yes aur and you are feeling more in control ki bhi ha ab mujhe pata hai ki kaun kahan pe kya kar raha hai ya kahan pe kya ho raha hai कोई अनएक्सपेक्टेड इश्यू सडनली क्रॉप अप नहीं होगी राइट एंड सर द अनप्रोडक्टिव स्टाफ है ना वो कम हो गया बिकॉज पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग अर्लियर वो जो दिखता था वो कि सर हम बिजी हैं ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं अब एक्चुअली पता लगता है कि व्हाट पीपल आर डूइंग एंड द अनप्रोडक्टिव स्टाफ दे स्लोली लेफ्ट आउट फ्रॉम द कंपनी ओनली ओके या बिकॉज वंस यू पुट टेक्नोलॉजी ना तो क्या होता है कि एकदम से आपको पता लगने लगता है कि कौन क्या कर रहा है यू कैन क्वांटिफाई एवरीथिंग राइट यस यस और इसमें आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि यू हैव टू पर्सनली इंटरवीन इनटू एवरीथिंग यस यस और उतना टाइम होता नहीं इसलिए कभी भी हम देख नहीं पाते कि रियलिटी में काम क्या हो रहा है यस यस और अभी यह है कि बातें कम और काम ज्यादा यस सर यस सर सो राइट नाउ अब लॉकडाउन हो गया सो आई एम ट्राइंग टू इंप्लीमेंट योर एफएमएस शीट्स आजकल So let's see how that experience is because that's a big thing that we want to implement. Yeah. FMS ek baar ki mehnat hai lekin ek baar ho jata hai na to aapka order to payment complete yes. visibility aapko mil jayegi. To yes. FMS jo log naye hain yahan pe jo log nahi jante it is flow management system. Okay this is a system that you need in the company. To isse lagane se kya hai ki aapka from getting the order to getting the payment jitne bhi steps hain wo track ho jate hain. So Tarang seems to have good experience. Tarang, would you like to share something? Hello, sir. Hello, everyone. Sir, FMS में आपकी implement करी थी. My DME did it. मेरा सुनील जो सुनील अग्रवाल है मेरे BCL साथ में हम लोगों ने साथ में किया था. So both of us applied it together. We had the common DME. And earlier what was happening is जो हमने FMS पहले चला रहे थे, we were doing it with the BMP formula. So every time it used to get a hang. And my staff started saying ki sir ye aapne kya laga rakha hai purana system theek tha aapka purana hamara jo practo mein chal raha tha so we have cancer hospitals across india so hamara wo accordingly chal raha tha where we were getting everything through that but I was not getting that proper reporting and jo jiska delegated work tha patients ka waiting time bahut zyada hua karta tha thanks to fmss when the patient waiting time has actually got reduced so I got it reduced and got addicted to fms but the problem was and the challenge was that earlier जो एफएमएस बन रही थी
they were not practical. Every time that DME used to be there, who was sitting at each and every center, each and every location on 14 centers, and 14 DME rakhne pade the taki wo wahan par hath kiya to usko solve kar de, so that the doers don't crib. Otherwise, unko ek bahana mil jata tha ki nahi, aapke ye FMSs bar bar hang hote hain. Thanks to Sanjeev sir's FMS, now the biggest advantage was kabhi hang nahi ho rahe. I mean, first problem aayi thi where I raised a ticket. Sujit ji got online and aadha ghanta, ek ghanta mere saath DME ke saath baithe and he got everything sorted. Till that time, since then there has been no flaws. Everything is going smooth. Main unko Mondays ko poochta hu meeting mein, FMS theek chal raha hai? Koi complaint nahi hai. Bolte sir, FMS pe koi complaint nahi hai. Maine kaha hang bhi nahi hota. Kehte hain no hang bhi nahi hota. कोई उसमें जो फॉर्मुलाज अटक जाते थे, स्क्रिप्टिंग प्रॉब्लम आती थी, रिन्यूअल्स आते थे, स्क्रिप्ट्स बार बार लिखाता था कि दिस एफएमएस स्क्रिप्ट गॉट हैंग्ड एंड ऑल दैट, अपडेट्स वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड डीएमई इज ऑलवेज से ऑन एवरी मंडे कोई एफएमएस पर प्रॉब्लम नहीं. सो इट केम एज अ सरप्राइज टू मी. इवन दिस मंडे ऑल्सो आई गॉट दिस सेम अपडेट. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर. एंड एफएमएस हैज बीन ब्रिलियंट. आई मीन इट्स सॉल्वड माय हेडेक once and for all. So yeah, I'm very, very happy to hear this. Tarang, thank you so much for sharing with us. क्योंकि FMS आप सबको जिन लोगों को पता है कि you know we worked really hard on this. और जो पहले मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने जो manually बनाए FMS, it was a very, very, very painful process. In fact, वो चलते भी नहीं है, right? और Google Sheets में इसको बगैर you know जो coding और जो programming हमने करी, और आपने ये भी देखा होगा तरंग कि इसमें कई सारे alerts अपने आप से जा रहे हैं. Yes. Documents अपने आप बन रहे हैं, patient अपने आप बन रहे हैं, ऑटो अपडेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर कोई हैंग नहीं हो रहा. अदरवाइज जब हम ईएम ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग ले रहे हैं, तब उसमें एमआईएस के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ रहा. सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. सो इट सेव्स अस फ्रॉम हैविंग एन हेडेक कि जनरली जो डूअर्स कह देते यू नो दे ऑलवेज यूज्ड टू से, आई वुड से दे वुड यूज्ड टू क्रिब कि सर आपका ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है. सो व्हेन दे अंडरस्टैंड दैट एंड दिस इज वेरी मोर प्रैक्टिकल एंड इट इज ऑटो, आई थिंक यू से ना टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स. सो माय एफएमएस इज नेवर स्लीप्स. So, and this is going smoothly. So that's my biggest takeaway from Tech Alumni. मतलब मैं इतना active हूँ भी नहीं Tech Alumni में. मैं sessions भी बहुत rare attend करता था सर. आपकी हमेशा recording देखता था because of my OPD schedules and all. But FMS तो amazing है. It is amazing sir. Thank you so much. नहीं नहीं, thank you so much for sharing. And guys, for all of you other people who have not been attending the sessions, please take a, you can take, ask Abhishek for a demo of FMS. तो अभिषेक को आप ईमेल कर दीजिएगा. मैंने डाल दिया, एक आईडी डाल दिया. सॉरी, मैंने उसमें सुजीत नाम लिया, वो सुजीत नहीं है, अभिषेक थे. अभिषेक थे, सॉरी. वो अभिषेक गॉट ऑनलाइन विद मी एंड ही गॉट एवरीथिंग सॉर्टेड. राइट, हां. तो ये एक बार की मेहनत है, बट इट गिव्स यू रिजल्ट्स ओवर एंड ओवर अगेन. तो इसी तरह से एक और चीज मैं बोलूंगा तरंग, ऐसी एक हमने सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया टेक अरुणा में, उसको भी देखिए, इवैल्यूएट करिए. वो भी अपने आप में बड़ी अमेजिंग चीज है, और वो भी आप एक बार लगा लेंगे. अभी तो अभी लॉकडाउन अगर चल ही रहा है तो माइट एज वेल आल्सो इंप्लीमेंट दैट. ओके, फॉर श्योर सर, फॉर श्योर. रियली एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. तो ये हमारा जो सेशन है टेक फ्राइडे, इसका यही लॉजिक होता है कि लोग जब आके खुद से शेयर कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ तो उसका एक अलग असर होता है, बट अगर कोई यूजर उस चीज को यूज करके बताता है तो डेफिनेटली उसका एक अलग ही असर होता है. सो वेलकम वंस अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टेक फ्राइडेज. तो इनिशियली वी वर हैविंग अ इंटरेक्शन with a few of our students ki unhone kaise istemal kiya technology ko. We'll have a little bit more interaction. To ek baar shuru karte hain, to of course ye jo hai, main yahan par na apne experiences hi share karta hu. Main aise koi hardcore aapko IT training nahi de raha, but jo mere experience se aap sikhoge wo again I think that will also be very, very valuable. So one thing let me ask all of you guys ki aapne apne naye saal ka planning kar liya hai? How did you plan your new year? How did you plan your new year? Anyone? कैसे planning किया आपने? Come on guys, planning किया ही नहीं है? Okay, go ahead. Karan, you can unmute. I did it by the email, the template you sent us. Okay. By email. Okay. So you already done that? Okay. Yes, sir. But you know, I think a lot of other people have not done that. What about the other people, guys? I did that too. Okay, great. Who else? मैंने भी किया सर प्लानिंग. हालांकि नमस्कार सर. नमस्कार, नमस्कार. मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट की थी 2019 में, लेकिन कोरोना की वजह से वो बिल्कुल डेड हो गई थी. तो अभी उसी में हम लगे हुए हैं और वी गॉट द ऑर्डर्स ऑन दैट, और
आई एम यूजिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रॉम योर साइट. तो उसमें हम लोगों ने अपडेशन काफी सारे निकाले हैं और टारगेट ये है कि इस साल के एंड तक कम से कम पहले साल में ही 2 या 3 करोड़ रुपए के टारगेट में हम उसको ले जाएंगे. इनिशियली हमने जो 8 महीने का टारगेट रखा है वो 2 करोड़ का रखा है. और दिस इज द न्यू वेंचर फॉर माय ग्रुप बेसिकली. तो उसी की सारी प्लानिंग से समय चल रही है और रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं सर उसके. नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस. और एफएमएस तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मैंने 2 जगह लगाया हुआ है, एक ऑर्डर टू इंस्टॉलेशन और एक जो हमारे यहाँ आफ्टर सेल सर्विस होती है, एक उसके लिए लगाया हुआ है, रिपेयरिंग के लिए और उसके लिए. तो वी आर यूजिंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ ऑल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अतुल जी ने भी काफी इम्प्लीमेंट किया है, तो इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु डू अ लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. तो गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट कि मैं ना आपको प्लानिंग करवा दूंगा जिन लोगों ने नहीं किया है, लेकिन कुछ देर में. तो जस्ट बियर विद मी फॉर सम टाइम, ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लान करना है इन अ टोटली डिफरेंट वे. ओके, कुछ लोगों ने कर लिया है, बट मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी प्लान नहीं किया. सो यू नो हाउ मेनी ऑफ यू यू नो वुड रियली वांट टू डू द प्लानिंग टुडे इटसेल्फ? कितने लोग अभी करना चाहेंगे, मतलब कि आज ही करना चाहेंगे, ड्यूरिंग द सेशन ओनली वांट टू गेट डन विद योर प्लानिंग फॉर द न्यू ईयर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? ये मैं आपको कराऊंगा. तो आज मतलब आप प्लान लेकर के ही निकलोगे बाहर, ठीक है? सो यू विल गेट द प्लान इन योर ईमेल टुडे इटसेल्फ. ओके, एंड इट डजंट टेक टू मच टाइम. ओके, इट डजंट टेक टू मच टाइम. बट बिफोर दैट लेट मी शेयर अ फ्यू मोर एक्सपीरियंसेस, ठीक है? एंड ऑल्सो टूडे वील बी प्लेइंग अनदर गेम, अ क्विज ऑल्सो विल बी प्लेइंग. एंड मैं आपको कुछ और बड़ी अमेजिंग चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि नए साल का ना आप एक्चुअली में बहुत अच्छा नया साल क्रिएट कर सको. तो लास्ट ईयर में मैंने भी बहुत प्लानिंग करी. मैं तो खैर यू नो यू कैन से आई एम द प्लानिंग गाय, मैं तो प्लान किए गए कुछ करता ही नहीं हूँ. तो बट मैंने ये भी देखा कि प्लान करने के बाद में टेंशन भी हो जाती है. गाइस, कितने लोगों को टेंशन हो जाती है कि ये होगा कैसे? अतुल जी ने कहा ना कि अभी आप 2 करोड़ करेंगे, 8 करोड़ करेंगे. तो गाइस, प्लानिंग के बाद में टेंशन होती है? यस और नो? होती है सर, होती है. अपने आप से कमिटमेंट होता है ना सर, तो इसलिए तो प्लानिंग करने के बाद ना टेंशन भी हो जाती है कि यार ये प्लान तो कर लिया बट ये होगा कैसे. तो एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्लानिंग के अंदर में ना एक चीज को ध्यान रखना है कि जब हम प्लान कर रहे होते हैं ना, तो हम ये मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि उस टाइम पे ये नहीं सोचना कि कैसे होगा. ओके, हाउ शुड नॉट बी द कंसर्न व्हेन यू आर डूइंग द प्लानिंग. ओके, व्हेन यू आर प्लानिंग यू क्रिएट समथिंग, ठीक है? देन डोंट वरी अबाउट द हाउ. और आप सोचोगे कि ये कह रहा है कि हाउ तो सोचना नहीं है, तो कैसे होगा ये? और डेली फिर अतुल जी को टेंशन हो रही है कि लिख तो दिया, संजीव जी को बोल भी दिया 8 करोड़, और अगर पूछ लिया तो क्या होगा, राइट? तो फिर अब ये कैसे करना चाहिए? तो यू नो ये ना एक प्रॉब्लम हो जाती है कि या एक आदमी को लगता है मैंने टारगेट ले लिया या एक गोल सेट कर लिया तो उससे मेरे को टेंशन हो जाएगी. एम आई राइट? तो हाउ डू यू रिकनसाइल दीज थिंग्स? तो मैंने ना इस पर काफी सोचा एंड आई रेड अ बुक बाय टिम फेरिस. टिमोथी फेरिस एक बड़े फेमस ऑथर है, उनकी किताब भी है द 4-hour work week, यानी सिर्फ 4 घंटे में पूरे हफ्ते का काम कर लिया. द 4-hour work week बाय टिमोथी फेरिस, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी, उसका नाम है द टूल ऑफ टाइटन्स. ओके, उसका नाम है टूल्स ऑफ टाइटन्स. ओके, सो इफ यू वॉन्ट आई कैन जस्ट शो यू अ ग्लिम्स ऑफ द बुक. जस्ट होल्ड ऑन, मैंने ना कुछ चीजें खोल के रखी हुई थी यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ. जस्ट वेरी क्विक ग्लिम्स आई विल शो यू ऑफ दिस बुक. और इस किताब में मैंने सीखा क्या, जस्ट अ मोमेंट. ये वो किताब है, आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, टूल्स ऑफ टाइटन्स. ओके, ये ऑडिबल में भी अवेलेबल है. जितने लोगों को नहीं पता, audible.com पे चले जाएं अगर आप, तो दिस वेबसाइट कॉल्ड audible.com, और ज्यादातर लोगों के पास Amazon Prime होगा, राइट? You can go to Amazon, you know, you can just start your 30-day trial and you will get, two credits free. अगर आपके पास नहीं भी है तो एटलीस्ट आप ये किताब तो एक क्रेडिट, अगर प्राइम नहीं भी है तो एक किताब तो आपको दे ही रहे हैं फ्री सुनने के लिए, और अगर प्राइम है तो 2 किताबें दे रहे हैं. तो अगर नहीं ले रखा मेंबरशिप तो ये ले लीजिए और ये किताब आपको फ्री मिल जाएगी फिर, ठीक है ना? ये आप इस पर सर्च कर लीजिएगा, टूल्स ऑफ टाइटन्स. एवरी वन गॉट दैट गाइस? ओके, तो
तो ये बहुत अच्छी किताब है, बट इसमें से एक लर्निंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें ना क्या करा है इन्होंने कि जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं उनसे बात कर करके उनकी हैबिट्स, उनकी रूटीन, उनकी टैक्टिक्स सारे नोट करे हैं इन्होंने। ओके, तो उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो कि मुझे यू नो ये चीज़ को रिकंसाइल करने में थोड़ा हेल्प किया इसने, कि भी हम प्लानिंग भी कर रहे हैं और वो प्लानिंग बिकम्स अ सोर्स ऑफ टेंशन, या वो गोल्स जो है वो टेंशन का सोर्स ना बने। तो उनका कहना ये है कि प्लान तो करो आप पूरे साल के लिए, महीने के लिए, क्वार्टर के लिए, वीक के लिए, बट प्लानिंग करने के बाद में अब आपको सोचना है सिर्फ अगले 5 मिनट के लिए। यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट 5 मिनट्स। सो यू शुड ओनली थिंक कि अब मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स को बेटर करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। गाइज, इज दिस मेकिंग सेंस? क्योंकि लाइफ जो है वो अगले 5 मिनट में ही होती है। यू कांट गो एंड डू समथिंग अबाउट नेक्स्ट वीक, ठीक है ना? आप अगले हफ्ते में जाके या क्या प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? एक साल बाद टारगेट मीट होगा नहीं होगा वो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप अभी अगले 5 मिनट में अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना है या उस गोल के लिए क्या कर रहे हैं वो आप कर सकते हो, राइट? अब अतुल जी के ना 8 करोड़ के गोल को वो आज वो 8 करोड़ का गोल नहीं हासिल कर सकते, बट हाँ वो ये कर सकते हैं कि हाँ 4 कस्टमर का फोन नंबर निकाल के उन्हें कॉल कर सकते हैं अगले 5 मिनट में, राइट? तो बेस्ट चीज क्या है कि हमें ना सिर्फ अगले 5 मिनट का सोचना चाहिए। ओके, सो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट 5 डेज। इनफैक्ट कई सारे और भी ट्रेनर थे वो कहते हैं यू शुड लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। आपने वीक का प्लान कर लिया, बट जिस दिन पर हो उसी दिन पे फोकस करो, उस दिन के लिए जो प्लान बनाया मेक श्योर कि आप वो प्लान के हिसाब से कंप्लीट करो, राइट? सो दिस इज द वे टू रिकनसाइल। सो गाइज, इज दिस मेकिंग सेंस? तो ये अगले 5 मिनट का, जब भी मुझे टेंशन होती है ना मैं सोचता हूँ कि छोड़ो अगले 5 मिनट में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? राइट, रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहे हो बढ़िया सी कॉफी पी लो, ठीक है ना? अगले 5 मिनट में अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हो, तो अगले 5 मिनट में क्या एक्शन ले सकते हो? टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, गोल बना के अपना रखा हुआ है, अगले 5-5 मिनट का सोचते जाओ, गोल अपने आप अचीव होगा और कई सारी चीजें, कई सारे रिसोर्सेज अपने आप निकल के आते हैं उस गोल को अचीव कराने के लिए जो कि आप पहले से नहीं प्लान कर सकते, राइट गाइस? इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि आप सोचोगे भी तो दे नाउ दे सीम टू यू लाइक कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, अपने आप कस्टमर आ गया, अपने आप वो इंक्वायरी आ गई, ठीक है, अपने आप वो इम्प्लॉई आ गया, ठीक है ना? वो आपने थोड़ी प्लान किया था, अपने आप से ही हुआ ना, राइट? सो दैट इज वॉट ज्ञान आई गॉट फ्रॉम दिस बुक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस किताब से सीखी वो थी द पावर ऑफ डेली रूटीन। तो कहते हैं कि ना जैसे अटोमिक हैबिट्स, अगर किसी ने किताब पढ़ी है तो अटोमिक हैबिट्स के अंदर भी ये बात की गई है। वो कहते हैं कि एक एरोप्लेन जो है वो लॉस एंजलिस से चला, ठीक है ना, और अगर पायलट ने सिर्फ एक डिग्री की मिस्टेक कर दी, उसको जाना तो था न्यूयॉर्क बट वो पहुंचेगा कहाँ, वो पहुंचेगा कहाँ, वॉशिंगटन DC। ओके, तो जो बड़ा चेंज होता है, जो बड़े रिजल्ट्स होते हैं, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होते हैं, वो रोज क्रिएट होते हैं। और रोज अगर आपको अपनी रिजल्ट्स अगर हासिल करने हैं तो रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्लस ऐड करना है। और द बिगेस्ट प्लस दैट पीपल यू नो हु हैव रियली अचीव्ड अ लॉट, मतलब ऐसे लोग अगर हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बात करें या जितने भी टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स के परफॉर्मर्स हैं या जितने भी बिजनेस के परफॉर्मर्स हैं, उन सब में एक चीज कॉमन पाई गई है, वो क्या है? कैन एनीवन गेस? ऑल ऑफ दीज गाइज हैव अ वेरी वेरी पावरफुल डेली रूटीन, राइट? डॉक्टर तरण कृष्णा सेज माइक्रोविंस, वो कहते हैं कि दिन का रूटीन ना पावरफुल बनाना चाहिए। ओके, तो दिन का रूटीन बहुत ही पावरफुल बनाना चाहिए। So I was reading another book on Blinkist on this. So guys, should I summarize that book for you? Nikalu kitab? Dekhoge aap mere saath padhoge? Should we spend 10 minutes and look at that? Great. To ek puri kitab aap mere saath padhoge aaj. Main summarize karaunga aapke liye. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन दैट आई यूज अ लॉट गाइज, इसका नाम है Blinkist। मैंने पीछे भी कई बार आप लोगों से शेयर किया, तो ये ना समरी बना देती है किसी भी किताब की। तो आइए एक बार देखते हैं, इसमें एक ये किताब थी कि हाउ सक्सेसफुल पीपल स्टार्ट एवरी डे इंस्पायर्ड। ओके, दिस इज बाय बेंजामिन स्पॉल।
तो इसके अंदर में यू नो हाउ यू नो यू कैन एक्चुअली अचीव ग्रेट थिंग्स बाय क्रिएटिंग अ ग्रेट डेली रूटीन, और मैं सारे टूल्स भी शेयर करूंगा आपके साथ में। तो वो कहते हैं कि भी देखो ऑल ऑफ द लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट, द मोर एक्सपेरिमेंट्स यू मेक द बेटर, दिस इज बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। ओके, वो कहते हैं कि जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं तो वो कहते हैं कि इनके सबके ये सारे सेल्फ स्टार्टर्स हैं, और इनमें कॉमन क्या है, उन्होंने एक मॉर्निंग रूटीन बनाई है जो कि उनको हेल्प करती है अपने डे को स्टार्ट करने के लिए इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, सो मैं ना आई विल नॉट रीड वर्ड फॉर वर्ड, सो आई विल नॉट रीड वर्ड फॉर वर्ड टू सेव टाइम। मैंने ना हाईलाइट कर रखा है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, तो वो कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट वो कहते हैं नथिंग गेट्स यू आउट ऑफ द बेड लाइक एन इंपॉर्टेंट टास्क और समथिंग यू लव टू डू। वो कहते हैं कि सबसे पहले ना वो काम करना चाहिए सुबह के टाइम में जो कि यू लव टू डू, कोई चीज आपको पसंद है। अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है तो मे बी यू माइट कीप सम टाइम टू रीड 5 pages ऑफ अ नाइस बुक। ओके, तो वन वे टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट द डे विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म विद लॉट ऑफ मोटिवेशन इज टू हैव अ इंपॉर्टेंट वर्क डन। इनफैक्ट मैं तो देखता हूँ कि मैं ना सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है दिन के शुरुआत में रख लेता हूँ। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि जैसे MIT के प्रेजिडेंट हैं लियो रफेल, वो जो है 6 बजे उठ जाते हैं। ओके, एंड यू नो ही वॉन्ट्स टू हैव अ लुक एट हिज इनबॉक्स बिकॉज ही यू नो बिकॉज बींग MIT प्रेजिडेंट ही हैज अ लॉट ऑफ ईमेल्स कमिंग इन एंड गॉट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यू नो वॉट एवर यू थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो उस चीज के लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप उसको सबसे पहले सुबह प्लान कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो ईमेल चेक करो, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी यू वॉन्ट टू रीड। मैं तो आज की डेट में सुबह Blinkist से किताब पढ़ लेता हूँ एंड उससे मेरे को इतना पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि मैंने आज 15 मिनट लगाए और एक नई किताब पढ़ ली। गाइज इज मेकिंग सेंस, यस ऑर नो? तो आप देख रहे हो कि एक ना एंड वो कहते हैं कि अनदर थिंग इज दैट कि डोंट यूज द स्नूज बटन ऑन द अलार्म, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट स्नूज का बटन यूज करोगे तो उठोगे कैसे। और आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी व्हाट एल्स ही हैज टू से। ओके, जस्ट अ मोमेंट। वो कहते हैं कि सम ऑफ द बेस्ट वर्क विल बी डन इन द मॉर्निंग, सो गिव योरसेल्फ टाइम टू सी इट बिफोर टैकलिंग अदर टास्क। पूरे दिन में ना आपको पता है जैसे ही आप ऑफिस पहुंचोगे बहुत सारी चीजें बहुत सारे काम इधर उधर के काम आपके पास आ जाएंगे। ओके, एंड दे विल ऑक्यूपाई यू एंड दे विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स डन बिफोर यू एक्चुअली गेट इन टू द डेली रूटीन। ओके, तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो गाइज मैं भी ना जो कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, सपोज मुझे कुछ मार्केटिंग के लिए ड्राफ्ट तैयार करना है, पूरे दिन मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई ईमेल तैयार करना है, किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर को कोई चीज लिखनी है, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो है सुबह के टाइम रूटीन काम ना करें। इंस्टेड ऑफ चेकिंग व्हाट्सएप, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईमेल, गेट दोज थिंग्स डन फर्स्ट। ओके, इस पे किताब भी लिखी गई है, ईट दैट फ्रॉग। ओके, वो कहते हैं कि जो डिफिकल्ट काम है ना हम लोग उल्टा टालते हैं उनको, हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं कर लेंगे। वो कहते हैं उल्टा करो, आप जो डिफिकल्ट चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको पहले कर लो। ओके, सो इवन वॉट आई पर्सनली डू इज दैट कि मैं ना ऑफिस में आई डोंट रीच ऑफिस लाइक 8 AM और 9 AM, आई स्टार्ट वर्किंग अराउंड 7:30, बट फ्रॉम 7:30 टू 9:30 2 घंटा मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लेता हूँ प्रैक्टिकली। उसके बाद मेरी मीटिंग शुरू हो जाती है 9:30 to 10:30। तो आप ये देखोगे कि मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पहले ही खत्म कर चुका होता हूँ। और वो कहते हैं कि रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल ना दिस इज अ रिएक्टिव एक्टिविटी। ओके, तो मॉर्निंग में शुरुआत की जो मॉर्निंग का टाइम है इट शुड नॉट बी रिएक्टिव, इट शुड बी प्रोएक्टिव, कि जो चीज आप चाहते हो वो होनी चाहिए। सो डोंट रिएक्ट, इफ यू स्टार्ट रिएक्टिंग तो आपका रेस्ट ऑफ द डे विल ऑल्सो गो इन अ रिएक्टिव मोड, राइट गाइस? तो मॉर्निंग में यू शुड बी इन अ प्रोएक्टिव मोड, नॉट इन अ रिएक्टिव मोड, राइट? सो राइट डाउन वॉट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नो यू वुड लाइक टू गेट डन इन द मॉर्निंग। ओके, तो वो बहुत ही क्रिटिकल है। And another, of course, I don't have to tell you this, another amazing thing, guys, is to exercise. तो morning में चाहे आप 5 मिनट का workout करो, चाहे आप 1 घंटे का workout करो, whatever is suits you, okay, you should do the exercise, okay? क्योंकि exercise is not only good for your body's health, it is also, you know, it's already proven, it is very, very good for your brain health.
तो कहते हैं कि जिस तरह के इंडोरफिन या केमिकल्स आपके ब्रेन में बनते हैं दैट गिव्स यू द एनर्जी टू ओवरकम ऑल द एंजाइटीज ऑल द इश्यूज दैट यू आर गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द वर्क राइट. तो सुबह ही अपनी बॉडी को रिचार्ज कर लेना इज अ वेरी वेरी वाइटल थिंग. तो इसके अंदर गाइज मैं एक चीज और शेयर करूंगा इन द एक्सरसाइज थिंग. तो आई हैपन टू अटेंड यू नो अ कपल ऑफ वर्कशॉप्स बाय डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी. डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी इज फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज वन ऑफ द यू नो बेस्ट नोन पर्सन हु कैन एक्चुअली अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो ही कैन हेल्प यू क्योर दैट ओके. एंड इवन अगर किसी को घर में भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी डर है ओके तो इनका ये बहुत अच्छा वीडियो है. ये आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो इसका नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप बाय डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ओके. शुड आई शेयर द लिंक विद यू इन द चैट गाइस. इसको ना मैं शेयर कर रहा हूँ चैट में ओके. डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी का लिंक है ये. एंड इन केस यू नो फॉर पीपल हु आर वॉचिंग अ rewind or a play you know recorded version of this you can just search for world's best warm up by dr pramod tripathi okay guys. to ye aap dekhiyega inhone bahut achhi exercise banayi batayi hai sirf aadhe ghante mein na aapka zabardast exercise aur bahut hi effective okay and he scientifically does that because he's a doctor okay and it is meant for everyone. so very very nice warm up that he talks about here and you can even do a shortcut ye 15 minute mein bhi ho jata hai. to guys ye zarur dekhiyega. सो यू मस्ट डू समथिंग चाहे आप जंपिंग जैक करो कुछ भी करो और एक एक्सरसाइज का रूटीन होना बहुत ही क्रिटिकल है. आप में से कितने लोग करते हैं एक्सरसाइज सुबह प्लीज टाइप मी इन द चैट. हाउ मेनी ऑफ यू डू एक्सरसाइज. तो गाइज मॉर्निंग में ना रूटीन बना लो आप. थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ही क्रिटिकल है ओके. चाहे आप वॉक करो या कुछ भी करो और मैंने जो ये लिंक भी दिया है इसको भी देखिएगा. सो दिस रियली रियली विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस ओके. दिस विल रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अनदर थिंग दैट यू नो इन मेनी ऑफ द बुक्स दैट आई फाउंड इज दैट कि वो कहते हैं कि ओवर हाफ द ऑथर्स इंटरव्यूज रेगुलरली मेडिटेट. तो मेडिटेशन इज वेरी क्रिटिकल. आपने पहले भी सुना होगा. तो मेडिटेशन जो है ये क्रिटिकल है. तो मॉर्निंग में ना चाहे आप 5 मिनट ही करो तो मेडिटेशन मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस. तो मेडिटेशन करना बहुत ही क्रिटिकल है. और मेडिटेशन के लिए गाइस बहुत सारी एप्स आती हैं. वन ऑफ देम यू नो हेड स्पेस आती है. जो मुझे पर्सनली पसंद है उसका नाम है इनसाइट टाइमर. सो द नेम ऑफ दिस ऐप इज इनसाइट टाइमर. आप अपने उस पर देख लीजिए. इसमें ना हर तरह की मेडिटेशन आपको मिल जाएगी चाहे 5 मिनट्स की हो चाहे 10 मिनट्स की हो. Okay, you will find all kinds of meditation. YouTube पर भी आप टाइप करेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी. मैं चैट में भी शेयर कर रहा हूँ. तो गाइस मैं भी अपनी टीम को कई बार मेडिटेशन कराता हूँ. वुड यू लाइक मी टू डू अ मेडिटेशन फॉर यू राइट नाउ. अ 5 मिनट मेडिटेशन. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दैट राइट नाउ. कराऊँ अभी प्लीज टाइप मी इन द चैट. ओके यू विल लव दिस गाइस. ट्राई इट आउट ठीक है. क्योंकि अगेन क्या होता है ना कि कई लोग अपने तो सीखते रहते हैं बट एक्शन में कभी नहीं लाते तो उसका कोई मजा नहीं है राइट. तो एक 5 मिनट का मेडिटेशन अभी कराऊंगा आपको ओके. सो ओके गेट रेडी गाइज प्लीज सिट कंफर्टेबली. मैं एक थोड़ा तो म्यूजिक प्ले करूंगा इसके लिए. एक सेकेंड मुझे ना स्क्रीन भी शेयर करना पड़ेगा. जस्ट होल्ड ऑन. Just give me one moment. Okay, tell me one thing, guys. Can you main music play kar raha hun. Just hold on. Are you able to hear the music? सुनाई दे रहा है? ये ज्यादा तो नहीं है. मेरी आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही है? सो एवरीवन प्लीज सिट कंफर्टेबली इन योर चेयर. रिलैक्स करिए
और गहरी सांस लीजिए। अभी आप तीन सांस लेंगे, टेक थ्री डीप ब्रेथ्स और मुंह खोल करके सांस बाहर फूलेंगे, सो यू विल एक्सहेल विद एन ओपन माउथ। करके सांस छोड़ना है, एक और लास्ट, और टेक अ मोमेंट फॉर ग्रैटिट्यूड। आज के दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ में, डोंट बी यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द डे, थिंक ऑफ समथिंग नाइस। Take a deep breath in and out. वो आपकी ब्रेथ है। Imagine करिए positive energy is coming into your body from your head and flowing through your body. तो आपके फिर से positive energy enter कर रही है और आपकी पूरी body में flow कर रही है। And वो जितनी भी negative thoughts हैं, emotions हैं, energy हैं, it's washing away all those negative things. And all these stale energy जितनी भी आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो सारी की सारी फ्लो आउट कर रही हैं थ्रू योर फिंगर्स एंड टोस। तो आपके सर से पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है और आपकी उंगलियों से, आपके पैरों से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। तो कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर ब्रेथ्स। Continue this visualization for a few more breaths. With this, you are giving yourself an energetic cleanse. So, आप अपनी energy को clean कर रहे हैं and you are ready to begin your day with a very, very high vibrational energy. Being intentional with your energy and learning to cultivate it is a valuable skill. तो अपनी energy को manage करना ये बहुत ही critical है। ये नॉट ओनली आपकी डे की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर सकता है और अगर एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देगा। अ ब्यूटीफुल डे विद न्यू पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग योर वे। तो एक नया दिन आप क्रिएट कर रहे हैं। जो कल का दिन था, यस्टरडे, इट इज इन द पास्ट, अब आप उसको छोड़ सकते हैं, यू कैन लेट इट गो। कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में आपको जो है वे डाउन कर रही है, रोक रही है, उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, उसकी जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट नीड इट एनीमोर। हर रोज जो है वो एक नया डे है, एक नई स्टार्ट है, यू कैन स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड एंड अ लाइट हार्ट। आपके पास पावर है टू शेप योर डे इन एनी वे यू डिजायर। ऑल इट टेक्स इज इंटेंशन, एवरी लिटिल चॉइस यू मेक सो यूज टुडे टू क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। हर रोज एक नया दिन है और एक नया फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, तो प्लीज रिपीट दीज अफर्मेशन विद मी इन योर माइंड। ओके, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। आई एम एग्जैक्टली वेयर आई एम मेंट टू बी। Everything is happening for my greatest good. I am powerful and I am protected. I am guided and I am strong. I am brave, I am resilient. I choose love over fear. I am fully deserving of success and love. My life is abundant and full of joy. I am an artist of life. I have the power to create my dream life. Guys, अब एक बार फिर से यू टेक थ्री मोर ब्रेथ्स। गहरी सांस अंदर लेंगे और मुंह खोल करके छोड़ेंगे।
you are now ready to begin the remainder of your day with new energy. So guys, please come back to the room and open your eyes. So let me ask you guys, how was the experience? Was it energizing? Maza aaya aapko? So guys, you can do this. You can do this every day, just for 5 minutes. You see, dekhiye kitni energy aa jati hai. Right? So it is, you know, just spending 5 minutes would, you know, give you very, very big rewards. So guys, ye karna bahut zaruri hai. Very nice, very nice. Great. So guys, ye zarur karna hai. और जैसे मैंने आपको बोला, इनसाइट टाइमर यूज कर लीजिए. आपको यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वो मिलेंगी. और नाउ कमिंग बैक टू आवर बुक, तो मॉर्निंग मेडिटेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल. तो ये करना सीखिए. एंड अगेन अनदर थिंग इज दैट गिव योरसेल्फ अ लिटिल मी टाइम बिफोर जंपिंग इन टू वर्क एंड एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, तो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए. तो सुबह के टाइम ना होता क्या है, कई बार मैंने देखा है कि ना हम लोग लेट उठते हैं और पागलों की तरह से रश कर रहे होते हैं. ऑफिस पहुंचना है, ये बंदा वेट कर रहा है, ये कॉल वेट कर रही है, ये करना है, वो करना है, एंड दैट इज नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट. मतलब आप सुबह से ही हैसल्ड हैं, राइट? सो स्टार्टिंग इन दैट वे व्हेन यू आर ऑलरेडी हैसल्ड इन अ बिग वे इज नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट योर डे गाइस. तो सुबह के टाइम ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह 4 बजे उठें, बट यू मे गेट अप हाफ एन आवर अर्ली, गेट अप यू नो 15 मिनट्स अर्ली एंड टेक सम टाइम. ओके, टेक सम टाइम. फॉर एग्जांपल जैसे ये सीईओ हैं मेलेडी ऑफ स्टाइल सीट, ये कहते हैं कि शी गेट्स अप एट 5:45 एंड स्पेंड्स द नेक्स्ट आवर टाइडिंग अप, डीलिंग विद पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज, सो दैट बाय द टाइम एवरीवन एल्स इज अप शी इज ऑलरेडी इन हर ग्रूव. ओके, तो इनफैक्ट जो आप ये रूटीन फॉलो करोगे और अगर आप पहले से मेडिटेशन भी कर रहे हो, अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज को निपटा भी रहे हो, तो यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ द डे. ओके, यू विल बी क्रिएटिंग द डे द वे यू वांट इट. ओके, तो दिन को बनाने की पावर आपके हाथ में है. और आपकी लाइफ क्या है, इट्स अ सीरीज ऑफ डेज, राइट? तो यू हैव टू बी इन द ड्राइवर सीट टू स्टार्ट अ लिटिल बिट अर्ली एंड डू दोज थिंग्स दैट यू लव. Okay, whatever you want to do with the extra time that you have freed is important, not to dive straight into work. So, ye nahi ki immediately kaam shuru kar dein. To jaise mereko pasand hai, main to ek choti si kitab pad leta hu Blinkist ke upar. So, that gets me motivated and energized. So, same way you can do something that you like. Maybe kisi ko kuch gana pasand ho, kisi ko music pasand ho, kisi ko kisi aur activity ko karna pasand ho. Okay. And another tip they're given is that you can start preparing for the morning routine the evening before. ओके, तो कहते हैं कि ये सारी चीजें ना छोटी छोटी हैबिट्स हैं, छोटी छोटी रूटीन्स हैं. ओके, बट सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर अ ग्रेट स्टार्ट टू द डे इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली बिगिन प्लानिंग द प्रीवियस इवनिंग. ओके, तो कहते हैं कि आपको ना पिछले रात से ही शुरू कर देना चाहिए. और उसकी शुरुआत के लिए आप क्या कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अच्छी स्लीप रहना. ओके, तो इवन इन्होंने इसमें नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है एक और सीईओ का. वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ना बहुत जल्दी उठ जाता था and he was getting up at you know very very early, jiski wajah se iski neend puri nahi hoti thi, and eventually that guy realized ki raat ko agar proper sleep nahi aa rahi na to agla din productive nahi hoga. So it is important that you should sleep on time, right guys? And getting full days rest is very critical. So bahut sare log hai unko lagta hai hum 5 ghante 6 ghante so lenge, but reality mein na that is not true for everyone, right? Maybe exceptionally koi aadmi ho to ho, but proper neend lena bahut zaruri hai. इनफैक्ट मैं तो अगले दिन की तैयारी पहले ही कर देता हूँ. नॉट ओनली टाइम पे सो जाता हूँ, मैं तो इवन मेरे को अगले दिन क्या कपड़े पहनने हैं वो सब निकाल के सब कुछ रेडी करके रखता हूँ, ताकि अगले दिन जो है हमारे को वो चॉइसेस ना करनी पड़े, राइट? सो गेट यू नो गियर अप फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर हैंड ओनली. तो जब आप पूरी तरह से प्लान होते हैं ना, तो यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल कि अगले दिन क्या होने वाला है. तो गेटिंग इनफ स्लीप यू नो इज वेरी वेरी क्रिटिकल. ओके, एंड ये कह रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट योर मॉर्निंग रूटीन दैट स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम गेटिंग अ प्रॉपर नाइट स्लीप. एडुकेट स्लीप इज वाइटल टू योर होल सेंस ऑफ वेलबींग.
बाकी जो लोग पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बच्चों के साथ भी जो है अपनी शेड्यूल को एडजस्ट करना होगा। ओके, तो ऐसा वो बनाना पड़ेगा कि भी जिससे कि वो बच्चों के शेड्यूल के साथ में आप उसे सिंक कर सकें। एंड अनदर थिंग इज दैट कि ट्रैवलिंग, तो मैनी टाइम व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग ट्रैवल करने लगते हैं तो हमारी जो भी शेड्यूल बनी हुई है वो टोटली अपसेट हो जाती है। ओके, सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो गाइज इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके, तो यू शुड ट्राई टू मेंटेन सम एलिमेंट्स ऑफ द रूटीन। मैंने आज आपको रूटीन में क्या क्या चीजें बताई, तो मैंने आपको जैसे बताया कि रूटीन के अंदर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है पहले खत्म कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वॉट एवर इट इज, मे बी सम ऑफ द थिंग्स यू कैन स्टिल डू, ओके, और मे बी यू कैन कट डाउन द टाइम। तो ट्रैवल कैन हैव एडवर्स इफेक्ट, बट यू नो स्टिल बाय मेंटेनिंग सम थिंग्स। तो अभी हम एक दो चीजें और भी बताऊंगा आपको कि एटलीस्ट कुछ चीजें तो आप कंटिन्यू करते रहिए। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट टोटली डिसरप्टिंग योर रूटीन कंप्लीटली। तो इवन वॉट एवर इज पॉसिबल, ओके, वॉट एवर इज पॉसिबल यू शुड यू नो ट्राई एंड कंटिन्यू इट। एंड बट इवन देन यू नो अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप कर ही नहीं पा रहे बिकॉज वर्ल्ड इज अ अनप्रेडिक्टेबल प्लेस, तो गेट रेडी फॉर डिसरप्शन। ओके, सो डोंट वरी, तो यू विल गेट डिसरप्टेड। ओके, तो जैसे मैंने आपको प्लानिंग के अंदर भी सिखाता हूँ कि थोड़ा सा बफर रखना चाहिए, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द बम्प्स। ओके, तो बम्प्स तो आएंगे ही आएंगे, बट डोंट लेट इट रूइन योर होल डे। ओके, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तो इसमें ना मेरा कहना यही है कि अगर आप दिन में थोड़ा सा गैप रखोगे, पूरे दिन को एकदम चौका ब्लॉक नहीं भर दोगे और उसमें कुछ टाइम बफर रखते हो, तो यू विल बी इजीली बी एबल टू अडैप्ट टू दोज अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप पूरे हफ्ते में भी थोड़ा टाइम स्पेयर रखिए, हर रोज भी थोड़ा टाइम स्पेयर रखिए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपको हेल्प करेगी। इसको हम टाइम बफर भी कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, तो गाइज मैं ये बताता हूँ कि जब हम प्लानिंग करते हैं कैलेंडर में ना, तो काम के बीच में ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाल देते हैं। ओके, तो बिटवीन द वर्क वी कीप अराउंड 20-30 मिनट्स, एंड देन वी कीप सम टाइम फ्री ड्यूरिंग द वीक। तो दोस थिंग्स सो दैट कि वो बफर रहे आपके पास। ओके, एंड अगेन आई विल जस्ट रीड आउट द फाइनल समरी। सो व्हाट डू द 64 ऑफ टुडेज मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव इन कॉमन? दे हैव अ सॉलिड मॉर्निंग रूटीन दैट सेट्स देम अप फॉर द डे अहेड। दैट्स वेयर अ सिमिलैरिटीज एंड दो। Every self-started individual in this book has a unique morning regimen, from writing to working out to meditating. The key is developing your own morning routine, and this isn't one technique or activity. You have to see whatever suits you best. So, ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या best है, guys. इसी के अंदर में मेरे को एक बहुत अच्छा video भी मिला था. Would you like me to play that video on morning routines? Should I play that video? Okay, just hold on. I'll just take out that video for you guys. And then I will share another amazing technique. बहुत ही एक amazing technique मैं आपसे और भी share करूँगा. So guys, I'm just playing this video now. We've all heard that if you could win the morning, you could win the day. One of the ways to doing that is to create regular rituals and routines so you don't have to think about what you need to do. And if you could set up routines and habits, especially early in the day, you could benefit from this science of momentum and create positive momentum as opposed to being reactive, like how a lot of people do. They pick up their phone the first thing and they start reacting and driving distraction and reaction, as opposed to proactively spending time with self-care and self-love and having a vision and a direction for your day. So let's get into it. Now, as I jump into this again, this is my ideal day. So sometimes I can't do all of this, but I could do as many as I can. So the first thing I do when I wake up is I recall my dreams. When you're dreaming is that you're actually processing and integrating and working on solutions, your subconscious mind, to the things that you're focusing on during the daytime. But most people forget their dreams. After that, I get out of bed and I make the bed. Okay, and now this is something that is obvious that most of you do, but if you don't do it,
take 2 minutes and make your bed, because that's a success habit, right? If we're talking about positive momentum, the science of momentum, getting things done, checking things off, doing it with excellence, then make your bed. It's worth the 1 or 2 minutes, because again, how you do anything is how you do everything. And to have a good check mark on something like making your bed is very powerful, because it teaches you to be able to do something really well in excellence, like they do in the military. And the other benefit is when you come back at the end of the day, you come back to success. You come back to your bed already made. After that, what I'll do is I'll go into the kitchen and I'll have a tall glass of water, because you know we use a lot of water and most of us are very dehydrated at night. I'll take my supplements there. I take my probiotics, which is the big one, because your gut is your second brain. We talk about quick brain, you know, being your brain in your head, but you also have incredible amount of nerve cells in your gut. And so I want to make sure that's being fed and healthy. So I take my probiotics. Then what I do is I do my breathing, right? I'm thinking about the things I'm focusing on here. I'm thinking about excellence. I'm thinking about hydration. I'm thinking about oxygen. Whatever your breathing technique is, I focus on breathing. So whether it's box breathing or alpha breathing, whether it's Wim Hof's method, I do a breathing technique because I want to fully oxygenate my body and, you know, my brain, which is obviously part of my body also as well. And maybe we could do another episode dedicated towards that. I do my meditation in the morning and also later in the afternoon or evening, sometimes before I go to bed, but I always do an early morning meditation. I do it for about 20 minutes. Mindfulness is so important. So I want to have a clear mind as I enter the day. And so meditation puts me in that space. 15, 20 minutes. Some of you use Headspace app. Some of you use the Muse device, use some kind of technology. I meditate then. From there, I do 1 or 2 minutes of just movement. And this could be different. It could be calisthenics, it could be burpees, but I just want to get into my body after I meditate. And so I move it, my body, pretty intensely for a couple minutes. And it could, if I'm in a hotel room, maybe I'm just doing jumping jacks, but I'm basically, or I'm doing crunches for 2 minutes straight. I'm just waking up my body. That is not my exercise for the day. It's just for me to get my heart rate beating and getting some movement and in my body. From there, I take a shower, and it's cold shower. And I do believe in cold therapy. It works for me. It helps me to reset my nervous system. Ice baths are very powerful because it helps, like if you hit your knee, you put ice on it to reduce swelling and inflammation. It's cold therapy is a very powerful way of resetting your nervous system and reducing inflammation. So I take a cold shower. When I get out, I go through my normal routine, right, of shaving and brushing my teeth, all that good stuff. Then I make a tea. And my favorite tea is like a brain tea. You know, it's a combination of gotu kola, ginkgo, lion's mane, some MCT oil, and some other gems. As I go through it, I sip my tea, and that's where I write my journal. And I'm a big believer in journaling. I've been doing it since I've been in college. And I feel like some of the most amazing thinkers of our time and in history, they journal and they keep diaries. I mean, So I will stop this here, guys. This is very, very critical. आप में से कितने लोग जर्नल रखते हैं? कितने लोग डेली जर्नल रखते हैं? How many of you keep a daily journal? So guys, should I share with you the best technique that I have learned? मैं सजेस्ट करूं आपको? तो guys, ये ना बहुत ही पावरफुल है. ये मैं चाहूंगा कि आप जरूर इंक्लूड करें अपनी डेली रूटीन में. Okay. तो अपने डेली रूटीन में ये जर्नल को रखना बहुत ही क्रिटिकल. थिंक अबाउट एडिसन. सो बिफोर आई दिस, मैंने कहा लेट मी जस्ट शेयर द जर्नल दैट आई यूज एंड यू कैन आल्सो यूज दिस जर्नल. ओके, आई जस्ट ओपन फॉर यू गाइस. पहले मैं दिखा देता हूं, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा. ओके गाइस, दिस इज द 5 मिनट जर्नल. सो आई हैव टेकन दिस टेक्निक. दिस इज वेरी वेरी फेमस टेक्निक, द 5 मिनट जर्नल. आप नेट पे भी सर्च करोगे. It is like the daily toothbrush for your brain. Okay. So, इसके अंदर में ये आप देखेंगे कि इसकी और डिटेल्स आपको देखनी तो लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं. I will not open the links right now. You can open when you see this. And मैंने इसमें बल्कि एक 5 मिनट मेडिटेशन का भी लिंक डाला हुआ है to make it easy for you guys. Okay. So, I have given a link here also for 5 मिनट meditation. जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट meditation करना भी important है. तो इसमें क्या क्या questions हैं? एक तो of course you put your email address. सो पहला क्वेश्चन है आई एम ग्रेटफुल फॉर. ओके, तो यू नो ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू योर हेल्थ. ओके, फॉर बेटर स्लीप, फॉर रिडक्शन ऑफ फिजिकल पेन, फॉर जनरल सेंस ऑफ वेलबींग. एंड पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड दे आर एबल टू हैंडल द चेंज मच बेटर. ओके, तो वॉट आर यू ग्रेटफुल फॉर?
ओके व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, तो आपको क्या चीज के लिए, मे बी यू से दैट ओके ऑल माय फैमिली इज हेल्दी, ओके इन ड्यूरिंग द पैंडेमिक एवरीवन वाज वेल, सो मे बी यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट, मे बी यू आर गेटिंग गुड ऑर्डर्स, ओके ओके, और मे बी यू नो यू आर लर्निंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम मी, सो यू नो, सो वॉट एवर यू लाइक एनी थिंग यू से कि वॉट आर यू ग्रेटफुल फॉर एंड वॉट वुड मेक टूडे ग्रेट, तो आज क्या चीज हो जाए, तो यू नो हम ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको पता है इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, कि आज क्या क्या हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो आज क्या क्या प्लान है आपका, वॉट वुड मेक टूडे ग्रेट, देन डेली एफर्मेशन कि यू नो जैसे मैंने आज आपको बताया आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके आई एम अ विनर, ओके आई एम एबल टू इजिली यू नो अडेप्ट टू चेंज एंड बिकम बेटर, तो यू मस्ट पुट इन सम डेली अफर्मेशन, मैंने छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे आपके लिए, एंड थ्री अमेजिंग थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे, तो अब हम थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी ले लेते कि कल क्या हुआ, कल क्या क्या अच्छा हुआ, वॉट वर द थ्री अमेजिंग थिंग्स दैट हैपेंड विद यू यस्टरडे एंड हाउ कुड आई हैव मेड इट बेटर, वो कहते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, तो कैसे आप अपने यस्टरडे को बेटर बना सकते थे, हाउ कुड यू हैव मेड इट इवन बेटर, ओके तो गाइस वो चीज भी नोट करिए यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना कि जितना आप अपने उसको रिव्यू करोगे आप देखोगे कि क्या मैं बेटर करता, मे बी कल मैं किताब नहीं पढ़ी, ठीक है ना, मेरे को 5 पन्ने पढ़ने थे, मे बी मैंने एक्सरसाइज नहीं करी तो मे बी मुझे वो कर लेना चाहिए था, या मेरे को ये मैंने लिखा था बट मैंने नहीं किया, या मैंने, तो वो आप नोट करिए। सो गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक जस्ट 5 मिनट्स, शुड आई एम गोइंग टू पुट इन द लिंक गाइज, और ये ना आप ये मेरा वाला फॉर्म भरिए, आपको अपने आप ईमेल पे रिपोर्ट आ जाएगा, सो डेली 5 मिनट जर्नल का लिंक मैं डाल रहा हूँ, एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्विकली फिल दिस, मैंने लिंक डाला है आपको चैट में, ओके जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं द लिंक इज itbx.in/5-minute, ओके सो आई विल जस्ट टाइप इट आउट फॉर यू itbx.in/5-minute, ओके FI5MIN, ओके दैट्स इट, बस ये लिंक है, तो एक बार जस्ट टेक नॉट 5 मिनट्स, जस्ट टेक 2 or 3 minutes एंड फिल दिस, द मोमेंट यू फिल दिस यू विल गेट अ ईमेल, ओके जब आप भर देंगे इसको तो आपकी ईमेल में आपको ही आ जाएगा ये, ओके सो यू विल गेट दिस इन योर इनबॉक्स एवरी डे, लाइक यू नो दिस इज माय 5 मिनट जर्नल, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए मैंने सुबह भरा ये मेरे को अपने आप आ गया है, तो जो मैंने भरा तो ये मेरे पास आ गया है। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि जस्ट लेट अस डू अ स्मॉल प्रैक्टिस राइट नाउ एंड प्लीज फिल दिस, ओके सो दिस वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस, तो एक बार आप भी भर दीजिए, तो दिस इज द 5 मिनट जर्नल, जो लोग भर देते हैं वो जस्ट टाइप डन इन द चैट, सो वी कम टू नो दैट यू आर डन दिस, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस राइट नाउ ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग आए गाइस प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग करिए इसको अभी, ठीक है ना, सो जस्ट टेक सम टाइम एंड जस्ट डू दिस राइट नाउ, और ये गूगल फॉर्म है आप अपना भी बना सकते हो, मैंने इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का भी लिंक दिया है, ये भी एक लिंक है जहां से मैंने लिया है 5 मिनट जर्नल, इसकी ऐप भी आती है, ओके इसकी ऐप भी आती है, बट आई डोंट थिंक इसकी इतनी कोई रिक्वायरमेंट है कि एक फर्दर हम एक नई ऐप डालें, ये छोटा सा लिंक आप याद रखेंगे तो ये देखिए ये इन्होंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसका यहाँ पे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, एंड मैंने एक 5 मिनट मेडिटेशन, तो आई वॉन्टेड टू गिव यू अ लिंक, तो मैंने इसी फॉर्म में इंक्लूड कर दिया है, तो ये 5 मिनट की मेडिटेशन, ये भी बड़ी पावरफुल मेडिटेशन है, 13 million people have viewed it. Okay, 13 million views हैं इसके ऊपर. So this is a very nice meditation I've included in the form for you guys.
Okay, I've got two duns. Okay, just let us give one more minute to everyone. Let us give one more minute and then I'll continue with the जिन्होंने डन लिख दिया गाइस, आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये डेली रूटीन ढंग का नहीं होगा ना तो पूरा साल जो है आप कैसे क्रिएट करोगे. तो ये डेली जो चीज है ना, ये अगर आपकी इन प्लेस हो गई ना, बिकॉज मेकिंग एवरी डे पावरफुल विल मेक योर एंटायर ईयर मोर पावरफुल, राइट? सो वेरी वेरी क्रिटिकल. आपको ईमेल भी आ गया गाइस, डिड यू गेट द ईमेल ऑल्सो? आप अनम्यूट भी करके बता सकते हो मुझे. Did you get the email also for the people who filled in? जी सर, जी आपको ईमेल आ गया होगा. जी मिल गया. मिल गया ना? And you will find, you know, like you will feel much more in control, much more sorted. And संजीव जी, एक क्वेश्चन था, because it is coming in the email. क्या ये मतलब, because obviously जब Google form भरो तो Excel sheet में भी जा रहा होगा, तो it is becoming a Excel response form sheet also. So can we get a log, because it is coming in the email too? Should we create a separate? फिर what you can do is that you can copy this form. Okay. Okay. आप ये form ना अभी अपने आप से बना सकते हो. उसमें पांच ही question है, right? Right. अपनी drive में आप बना सकते हो. ये तो मैंने अपना share कर दिया, इसकी sheet मेरे उसमें है, तो share with everyone will be difficult for me. नहीं, that's okay. I just want to. I'm not saying कि आपने share करना है. But I was just getting the idea, क्योंकि sheet में आ जाएगा, because that we can have. हाँ, मैंने वैसे बताऊँ क्या, मैंने तो क्या कर रखा है कि मैंने ना ईमेल में, अपने ईमेल में ना फिल्टर लगा रखा है. राइट. जब भी आता है ना मेरे पास, देखिए, देख रहे हैं आप? राइट. मैं ईमेल में ना ऐसे फिल्टर लगा रखा है, तो I can go through this. I think this is more a smarter way. So thank you very much for sharing. की लेबलिंग करके we can. हाँ, ये लेबल लगा रखा है ना, देखिए अपने आप आता रहता है, देख रहे हैं ऐसे. राइट. और कोई तरीका है जो गूगल शीट को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दे, मतलब द रो टू कॉलम करके कुछ, इज देयर एनी वे वी कैन हैव अ? वो ना, अभी ये मेरे एक्सपर्ट आने वाले हैं, अभिषेक वगैरह आएंगे तो वो भी बता देंगे आपको. ठीक है. यू कैन यूज दिस लिंक ऑलवेज. या दिस लिंक इज देयर गाइस, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप जितना मर्जी यूज करिए इस लिंक को. थैंक यू वेरी मच. सो नाउ आई विल प्ले द वीडियो अगेन, जो पार्ट रह गया इसका. लेट अस सी द रिमेनिंग वीडियो. तो ये जरूर करिए आप गाइस, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एवरीवन. Einstein, Da Vinci, I mean, their journals are priceless, right? From there, right from journaling, since I'm writing, and I like writing, there's a lot of studies saying that handwriting is better than actually typing. Then, since I'm writing already, I'm going to my to-do list. And we all have an ongoing, most of us have an ongoing to-do list of things that we need to get done. For me, the big thing is I just want to be able to accomplish as a total win, three things for work and three things personally. And they don't have to be all epic big things, but I just feel like that if I could get three of my work goals done on my to-do list and three of my personal things to do, then it's been a great day. And you know, it's kind of like my friend Clay Hebert talks about a champagne moment. It's like your champagne moment when you're looking back at the end of the day saying, yes, today was a great day. Today I crushed it, today I won. And in addition to my to-do list, I also have a list, to feel list, because I feel like we are, a lot of our who we are is our states and emotions, and I think I don't want it to be just where I happen to feel a certain way by accident. It's by its design. It's the metaphor I always talk about, the difference between a thermometer and a thermostat. A thermometer reacts to the environment, and I feel like sometimes if I act like a thermometer, I'm just gonna react to everything that's going on in my world, and I just might have some good positive states, as opposed to being a thermostat where I set in advance a standard, a goal, you know, for my to feel list, certain feelings I want to feel throughout the day, so I could design it that way. To feel love, to feel curious, to feel bewilderment, right? Connection, gratitude. I also have, besides a to-do list and a to-feel list, I also look at my to-be list. Like, who do I want to be today? And, you know, do I want to be a good partner? Do I want to be a good friend and a good leader, a good teacher, a good coach? I feel into what I want to be that day. Because it's not just about, you know, it's kind of cliche, but there's a truth to it. We're not human doings, right? We're human beings. So who do I want to be today? From there, if I have time, I will, and I'll make time for the things that are most important, is I read. I read for about 20, 30 minutes. So after I do my reading, then I go and
I make my brain smoothie, brain berries, which are your blueberries and avocado and your leafy vegetables and water and everything. And when I'm done with that smoothie, I go through my brain training in one of our quick learning online programs at quicklearning.com. We have an online speed reading course, online memory course, thinking course, academic success course. That's where I do my brain training. And I like to do it in the morning because I want to jumpstart my brain, my mind, if you will, and also my body. And that's the goal for me, that focusing in the morning. So after I do certain brain trainings, which are all in our programs, then I really start my day. So guys, I hope you found this useful. Aapko laga interesting? I will share the link of the video in the chat also, in case you'd like to see this again. नहीं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो. इसका नाम है द बिलियन वन बिलियन डॉलर मॉर्निंग रूटीन. ओके, वन बिलियन डॉलर मॉर्निंग रूटीन. आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल. ओके, ग्रेट. तो जर्नलिंग मैंने आपको सिखा दी, 5 मिनट मेडिटेशन सिखा दी, और अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ हाउ यू कैन क्रिएट द ईयर इन अ वेरी वेरी पावरफुल वे. सो फॉर दिस यू नो आई लर्न दिस टेक्निक a few years ago, and I've been doing this. So ye main aap logon ke sath bhi chahunga, jinhone kar bhi liya, there's no harm, you can try it again, maybe you will come up with something better this time. Okay, so let me share my screen again. So how to create your year, to ye ek choti si exercise main aapko de raha hu, abhi karenge hum log, theek hai. We will do this exercise together. So what is in this exercise? So this is known as a time machine exercise. तो इसमें ना हम अभी से forward नहीं जा रहे, हम इसमें reverse technique use कर रहे हैं. आप ये imagine करेंगे कि आप ना next year 1st of January में बैठे हैं, ठीक है? Next year 2023 1st of January you are sitting there, okay? And then you are imagining, अरे वाह क्या मजा आ गया, इस साल में क्या क्या हो गया, okay? So you are thanking yourself, you are imagining कि भी क्या क्या हमने कर लिया in this year, okay? So you will visualize कि यू नो दैट व्हाट ग्रेट ईयर इट हैज बीन. सो यू नाउ यू राइट अ पोस्टकार्ड टू योरसेल्फ एंड डिस्क्राइब कि व्हाट अमेजिंग ईयर इट हैज बीन, क्या क्या अमेजिंग चीजें हुई. तो आपकी विजुअलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे कि क्या आपकी विजुअलाइजेशन है. उसके बाद में आप ये करेंगे कि क्या तीन चीजें आपने, नई चीजें स्टार्ट कर दी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने कहा कि ठीक है ये डेली रूटीन करना है मुझे, आई विल स्टार्ट द डेली रूटीन, आई विल डू द मेडिटेशन, आई विल डू द जर्नलिंग. तो यू नो you, what are the three things that you started doing, and what are the three things that are negative habits that you have right now. Wo kya teen cheeze aapne band kar di. So maybe you're watching too much TV, okay, you're wasting too much time, okay, to wo cheez aapne band kar di. And kya teen cheeze aisi hain jo ki aapne abhi recently shuru kari hain and you like to continue to do them, okay. So I did this exercise maine khol ke rakha tha dikhane ke liye aap logon ko. So I did this, So when you do this, you get this email from me with your plan like this. आपको email आ जाएगा. ये देख रहे हैं इस तरह का ये पूरा email आएगा. अभी आएगा हाथ की आती. तो ये देखिए ये पूरा आएगा कि मैंने ना देखिए पूरा detail लिखा कि मैं ये मेरा postcard है कि CID box which started as a hobby is now a mission to transform millions of lives, create new possibilities and opportunities for everyone. तो हमने इतने लोगों को monthly train करना शुरू कर दिया है. मैंने क्या क्या चीज़ें लर्न कर ली हैं, मेरी फैमिली में क्या क्या मैंने अच्छा कर लिया है, मेरी जो TNS वाला बिजनेस है उसमें मैंने क्या क्या कर लिया है, फिर मैंने क्या तीन चीज़ें स्टार्ट कर दी. तो आई क्रिएटेड अ पावरफुल न्यू डेली रूटीन, ओके. तो आई हैव डेवलप माय लीडरशिप स्किल्स, स्टार्टेड मेडिटेशन. क्या चीज़ें मैंने स्टॉप कर दी हैं, जैसे फोकसिंग ऑन द फ्यूचर, टू मच टाइम ऑन TV और स्क्रीन, ठीक है, और डाउटिंग माई सेल्फ. क्या मैंने कंटिन्यू करा कि हाँ मैं वीकली प्लानिंग अपनी अच्छी कर रहा हूँ और इफेक्टिव बना रहा हूँ, गोल प्लानिंग कर रहा हूँ, पेस की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, यू नो थिंग्स लाइक दिस. सो गाइस आई एम गोना शेयर द लिंक विद यू, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. तो जितना डिटेल में आप कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद हम एक अमेजिंग क्विज करने वाले हैं विद रियल प्राइजेस, ओके. सो आई हैव प्लान्ड सम रियली नाइस क्विज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड देयर आर सम रियल प्राइजेस. सो ये ट्रेनिंग है, पेस इज अ ट्रेनिंग बाय राजीव तलरेजा. तो आई एम टेकिंग अ पार्ट इन दैट ट्रेनिंग, तो मैं भी सीखता रहता हूँ. आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर पीपल.
लोग बड़े तेज है, बहुत जल्दी देख लेते हैं। ग्रेट। सो गाइज, ये मैंने एक्सरसाइज आप लोगों के लिए शेयर करा है। किसी के कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। अगर इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड, आई एम देयर टू हेल्प यू। सो यू विल जस्ट टेक 10 मिनट्स राइट नाउ एंड लेट्स डू दिस। So wrong link. Okay, wait a second. I'll give you the right link. Just a moment, guys. Just a moment. Oh, YouTube का link आ गया शायद। हाँ हाँ, गलती से डाला मैंने। I think वो वाला link copy नहीं हुआ। ठीक से, मैं link डाल रहा हूँ। Just a moment, guys. Great, guys, ये मैंने डाल दिया। हाँ, definitely students are becoming very very intelligent. तो ये लिंक मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है और ये आप लोग करिए, इसको यूज करिए, खोलिए इसको। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ये आप बाद में भी यूज कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि अभी कर लीजिए, ठीक है ना। लेट अस अचीव समथिंग अबाउट यू, कि आज आपने टाइम निकाला है टेक फ्राइडे के लिए, तो कुछ ना कुछ लेके जाना है यहाँ से, राइट। और उसके बाद एक बड़ी एक्साइटिंग सी क्विज है जो आप लोगों के लिए मैंने तैयार करी है। एंड तो इसमें विजुलाइज करना है। सो बेसिकली यू आर ऑन 1st of January 2023 और वहां पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा मैं क्या क्या कर लिया। तो दिस इज मैनिफेस्टेशन, इज द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये भी सारी टेक्नोलॉजी ही है। ओके, तो ये कोई गूगल शीट नहीं है, बट स्टिल दिस इज स्टिल टेक्नोलॉजी, राइट। राजीव मूलचंदानी, कुड बी बिजनेस, हेल्थ, फैमिली, यस, एवरीथिंग 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 गाइस, इंक्लूड एवरीथिंग, डोंट ओनली इंक्लूड योर बिजनेस, इट कैन, इट शुड बी एवरीथिंग। ट्राई टू गो एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, ओके, ट्राई टू गो एज डिटेल्ड एज पॉसिबल फॉर अ वेल राउंडेड लाइफ। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ऑल द एरियाज। तो उसमें ना क्या क्या एरियाज होते हैं, तो एक बिजनेस और वर्क इज वन एरिया, ओके, बिजनेस और वर्क इज वन एरिया। Then another area is personal growth, okay? तो personal growth में learning हो गया आपका, तो इसी तरीके से learning, education, तो मतलब ये एक और area है। Second area हो गया आपका personal growth या education। Third area, important area is family, कि family के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। Another area is social, तो society के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो society is another area। And पांचवा area जिसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, कई बार होता है spiritual, कि आप अपनी spiritual growth के लिए क्या क्या कर रहे हैं, okay? तो देयर आर फाइव एरियाज। वन इज नॉर्मली इन प्लानिंग व्हेन वी डू फॉर अ वेल राउंडेड लाइफ, ये कहते हैं व्हील की तरह से होता है। तो यू नो, अगर ये पांचवें एरिया में गोल्स आप अचीव करोगे तो आपकी लाइफ जो है व्हील की तरह से चलेगी, और अगर एक भी हिस्सा छोड़ दोगे तो इट विल बिकम लाइक अ स्क्वायर और अ ट्राइंगल, ओके। तो व्हाट आर दोज एरियाज, वंस अगेन, बिजनेस और वर्क, सेकेंड इज एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ, थर्ड इज फैमिली, ओके, फोर्थ इज सोशल और सोसाइटी, जैसे आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों से आप मिलते हैं, फेलोशिप करते हैं, यू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, आप कुछ अच्छा करते हैं, ओके, मे बी यू आर पार्टिसिपेटिंग विद रोटरी इन सम चैरिटी और सम अदर थिंग्स दैट यू लव टू डू फॉर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू, एंड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। तो सोशल या कम्युनिटी सर्विसेज जो आप मान सकते हैं,
और लास्ट चीज है स्पिरिचुअलिटी, कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट यू डू फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. तो इवन हेल्थ जो है, हेल्थ भी आप अपने पर्सनल ग्रोथ में डाल सकते हैं. तो पर्सनल ग्रोथ में हेल्थ भी आ जाएगा आपका, हेल्थ एंड एजुकेशन. किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू लाइक टू आस्क मी, आई एम हियर टू सपोर्ट यू. Great, great. A lot of people have done. Don't worry, guys. Keep going. And इसके बाद भी मैं कुछ बड़ी interesting चीजें कराने वाला हूँ आपके लिए. कुछ चीजें, interesting चीजें मैंने और भी निकाली हैं. अच्छा, गूगल फॉर्म जो है ये इजीली खराब नहीं होते. अगर आप पेंडिंग में छोड़ दोगे तो यू कैन यू नो जल्दी खराब नहीं होंगे. डिडंट वासु सेज शी डिडंट गेट द लास्ट क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर द टॉप थ्री थिंग यू कंटिन्यू डूइंग. तो वासु, कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो आपने अडॉप्ट करी इस साल में, जो कि आप अगले साल भी आप कंटिन्यू करना चाहोगे? व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स दैट यू लव टू कंटिन्यू इन दिस ईयर ऑल्सो? What are those three things that you would like to continue in this year also? Okay, great. So guys, let us give everyone just two more minutes. So before we go into the, we'll play a nice quiz. जो लोग करते जा रहे हैं वो लोग ना फिर एक काम करिए, वो लोग quiz में sign up कर लीजिए, ठीक है? तो जो लोग करते जा रहे हैं they can sign up in the quiz. तो इसके अंदर ना अपने फोन से आप ये QR code जो है scan कर लीजिए. You can scan this QR code from your mobile phone and then you will be able to play it on your mobile phone, or you can just scan it from another device. Nahi to fir you can open www.kahoot.it. Okay, you can open www.kahoot.it. Okay, and enter the gaming pen 3457970. And the good news is that there will be real prizes. So I will be sharing an Amazon voucher
फॉर द टॉप थ्री गाइस. ओके, जो टॉप तीन लोग हैं. सो फर्स्ट वन विल बी 500 रुपीज एंड द रिमेनिंग टू विल बी 100 ईच एंड आई विल शेयर इट हेयर ओनली. अभी हाथी हाथी इन द चैट इटसेल्फ टू दोज पीपल. क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं. Saurabh didn't understand what kind of options you are talking about. Simply www.kahoot.it खोलना है और एक gaming pin डालना है या फिर आप ये barcode scan कर लीजिए and you will log in here. Just आपको अपना नाम ही डालना है यहाँ पे, short name ही डालना है. अगर आप किसी और फोन वगैरह पे खेल रहे हैं तो फिर एक और डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं. यू विल नीड अनदर डिवाइस टू डू दिस. क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन विल कम ऑन द स्क्रीन, ऑन माय स्क्रीन आई विल शो यू द क्वेश्चंस. आंसर के लिए जो करेक्ट बटन है दैट यू विल हैव टू प्रेस ऑन योर डिवाइस. तो जो आपका डिवाइस है उस पर करेक्ट बटन आपको दबाना होगा. ओके, सो यू विल बी प्रेसिंग द correct button on your device. Sir, how to play the game? Actually, I am not able to get it. To play the game, simply scan this QR code. आपके फोन में आपकी Paytm app होगी ना? हाँ. तो उसे इसको scan कर लीजिए and you will join the game. Okay. ये QR code देख रहे हैं right side में? Screen में दिखाई दे रहा है. इसको scan कर लीजिए. नहीं तो what you can do is, so you just have to लॉग इन टू, नहीं तो आप एक काम करेंगे, यू हैव टू ओपन दिस वेबसाइट www.kahoot.it और इसमें पिन एक डालना है. वो पिन है 3457970. ये किसी भी ब्राउजर के अंदर आप खोल सकते हैं www.kahoot.it और पिन 3457970 एंटर कर सकते हैं. तो टू वेज टू ज्वाइन दिस. पिन जो है, पिन को ये वेबसाइट पे, हाँ जी बताइए ब्रजेश. फोन पे भी चलेगा ना संजीव? हाँ, फोन से भी चलेगा, किसी भी उससे चलेगा, किसी भी ब्राउजर में खोल लीजिए आप. तो ये जो वेबसाइट है www.kahoot.it ब्राउजर में खोल लीजिए. ओके, इट्स अ टेक्नोलॉजी क्विज. आई डोंट थिंक इट विल बी द सेम क्विज दैट यू माइट हैव अटेंडेड. हेलो सर. हाँ जी सर. व्हेन विल वी स्टार्ट दिस क्विज? वी विल बी जस्ट स्टार्टिंग शॉर्टली, इन अनदर 1 मिनट. ओके सर. सो गाइस, वी आर 82 पीपल राइट नाउ हु हैव लॉग्ड इन. ओके, सो विल जस्ट गिव. ओके, इट्स 3:52. आई विल गिव अनदर 2 मिनट्स. आप लोग फटाफट आ जाइए. तो एक एक करके क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे. तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है. तो द सेम वे यू हैव टू प्रेस द राइट बटन. तो उसमें चार आंसर्स होंगे, उसके अलग अलग कलर्स होंगे. तो प्रेस द कॉरस्पॉन्डिंग बटन दैट यू फील इज राइट. तो यू हैव टू बी राइट एंड यू हैव टू बी फास्ट. तो सही आंसर होना चाहिए और जो फास्ट देगा उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? बट एट द सेम टाइम बी केयरफुल,
तो वी विल बी स्टार्टिंग इन अनदर वन मिनट गाइस, तो जो लोग भी अभी आना चाहते हैं वो आ जाइए। सर अगर वो टाइम मशीन अभी फिल नहीं किया बाद में फिल करना है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा क्या? हाँ उसको बंद मत करिए, उसको खुले रहने दीजिए। जब खुले रहने दो हाँ उसे कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ओके ओके, और बाद में इन फ्यूचर कभी कुछ एडिट करना हो तो वही रहे तो वो एडिट तो नहीं कर पाएंगे, आप दोबारा भर सकते हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे अपना जो एग्जिस्टिंग आपके पास आ जाएगा ना मेल, यू कैन फिल इट अगेन, लिंक सेम ही काम करेगा। ओके थैंक यू सर। गाइस अब मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ टू प्रिवेंट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम हैपनिंग ड्यूरिंग द गेम। अभी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, तो जो लोग नहीं लॉग इन कर पाए तो फिर वो आप देख लीजिए इस बार, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम यू कैन प्ले विद अस। सो आई एम बिगिनिंग नाउ, इज एवरीवन रेडी? प्लीज टाइप रेडी इन द चैट सो आई कैन बिगिन। जो लोग तैयार हैं टाइप रेडी इन द चैट। ओके ग्रेट ग्रेट। What does HTML mean? HTML का सही मीनिंग क्या है? Hypertext markup language, hypertext mediated linguistica. So you have got these four options. Press the correct one. Press the correct answer. Red वाला है, blue वाला है, orange वाला है या green है? So guys, the right answer is hypertext markup language. तो 53 लोगों ने सही जवाब दिया। Let us see किस किस ने सही जवाब दिया। तो सबसे फास्ट दिया अनुज ने, followed by TK, then Shelf, then by Ijlal and then Vijay. Well done guys, well done. Ready for the next one? So here we go. दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, What are the some ways people use virtual reality in their lives? लोग किस तरह से virtual reality का इस्तेमाल करते हैं? Virtual tour, video game, flight simulator या all of the above? Guys, it's all of the above, right? Virtual tour के लिए भी use करते हैं, video games के लिए भी use करते हैं, flight simulator के लिए भी use करते हैं, right? देखिए, अगर गलत जवाब देंगे, देखा scoreboard change हो गया, so now we have TK on the top, followed by Vijay, Shelv, Ijlal and Anuj. Number 3, what does haptic mean? Haptic का क्या मतलब है? Being able to smell, being able to touch, being able to purchase, being able to pick and choose. Guys, haptic feedback, जो आपके फोन में आप टच करते हो कीबोर्ड को तो उसको haptic feedback कहते हैं, आपको लगता है जैसे कि आप प्रेस कर रहे हो की को, राइट? सो बींग एबल टू टच, सो दैट इज haptic. सो दैट आंसर इज बींग एबल टू टच. ओके सो नंबर वन में तो इजलाल आ गए, फॉलोड बाय अनुज, विजय, विजय एंड नील. वेल डन गाइज. नंबर 4 ये रहा, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज नोन एज, जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो कौन सा था? Rabbit, Creeper, Elk Cloner, SCA Virus. Guys, the right answer is the Creeper Virus. Creeper was the first virus in the world. Okay, so we have Ijlal, Vijay Baid, followed by Abhishek, KD and Vijay. So ye typically hamare sabse strong contenders hain. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सो सी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डॉस, मैक और लिनक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके सो यू कैन सी कि अभी भी स्कोरबोर्ड चेंज हो रहा है. नंबर 6,
Which of the following is not a database management software? इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? Guys, COBOL is a programming language, right? तो MySQL, Oracle और Sybase ये तीनों databases हैं। देखा इजलाल गलत कर दिया आपने। विजय बैद, जितेंद्र, आर्या, अभिषेक एंड केडी, वेल डन। नंबर 7, .gif इज एन एक्सटेंशन ऑफ, क्या ये इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, वर्ड फाइल है? इट्स एन इमेज फाइल गाइस, जिफ तो आपको पता है इमेज होती है। सो हियर यू सी अगेन, नाउ वी हैव विजय बैद, अभिषेक, केडी, इजलाल एंड विवेक एच। ओके, नंबर 8, हु हैज लॉन्च इट्स न्यू ताजमहल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब इन NCR? ये ताजमहल जैसा दिखाई देता है, ये इनका ऑफिस बना है नया NCR में, किस कंपनी का? पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट या अमेज़न? वासु, अब तो आप बहुत लेट हो गए, सो नाउ माइट एज वेल एंजॉय द क्विज। अभी आप देख लो, अब तो लास्ट एक दो क्वेश्चन पे हैं, तो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। सो यू सी, ओके, अभिषेक इज कमिंग ऑन द टॉप, but Abhishek is from my team, so Abhishek you are already disqualified for the prize. तो ये तो पता है, लोग कहेंगे चीटिंग हो जाएगा, right? So अभी आगे बढ़ते हैं। Number 9, which company has become the first one in India to demonstrate the operation of the 5G network? कौन सी कंपनी ने अभी 5G network का demonstration कर दिया? Jio, Airtel, Vodafone, Idea, BSNL? The right answer is Airtel. Right. So the answer is Airtel, not Jio. Airtel ne sabse pehle demo kiya. Okay. So we have Vijay followed by Abhishek and Anurag. Get ready for the last question. Number 10. Which company has completed the acquisition of smart wearable company Fitbit? Fitbit ko kisne kharida hai? Hike ne, Flipkart ne, Facebook ne, Google ne? गूगल, या तो सामने इमेज के अंदर इतना बड़ा हिंट दे रखा था विवेक, इसलिए हंस रहा है, मैं देख रहा था विवेक को। गुड, सो आर यू रेडी? कौन जीतेगा? अभिनव, अभिनव प्लीज अनम्यूट, यू से हेलो। देयर्स अभिनव एट नंबर 3, अनुराग एट नंबर 2 and Vijay Bhatt at number 1. ये अनुराग तो हमारी टीम से ही है। तो गाइस, वेरी वेल डन। विजय, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर कैमरा? विजय, कैन यू अनम्यूट योर कैमरा? सो लेट मी हैव अ लुक एट द फुल रिपोर्ट। सो लेट मी डिक्लेयर, एक सेकेंड ठहरिए गाइस, let me check, just a moment. Yeah, so we have Vijay Baid, then for the prize we'll give number 1 to Vijay and then number 2 to Abhinav and number 3 to CA Ashwini. Well done guys, congratulations. Please type congratulations in the chat. To bahut bahut taaliyan aap logon ke liye, aur main abhi haath ki haathi jo prize hai, so guys just give me one moment, I would like to share the prize straight away.
तो मेरे जो Amazon के गिफ्ट कार्ड्स हैं, सो आई विल लाइक टू शेयर देम विद दीज गाइस जस्ट अ मोमेंट. सो आई कांट शेयर इट टू एवरीवन. सो विजय, यू आर गोइंग टू गेट दिस. विजय, तुम्हारा यार आईडी नहीं दिखाई दे रहा मुझे इसके अंदर में. आर यू देयर विद व्हाट आईडी आर यू देयर लॉग इन टू Zoom? हाँ ओके या ओके आई गॉट विजय बैद. Vijay, you got the link from my side. So no prize for participating, guys. So you have to win to get the prize, na? ये तो rule ही नहीं change कर रही, तो rule ही change कर रहा है आपकी. Participate करने के लिए gift तो मैं दे ही रहा हूँ आपको. वो तो इतनी सारी exercises करा रहा हूँ, right? और अभी भी दूंगा. अच्छा, अभी भी दूंगा gift, और भी gifts दूंगा. ठीक है, कुछ और भी चीजें आप लोगों के लिए हैं. अभिनव तुम्हारा चला गया एंड वन मोर पर्सन. ओके, अभिनव का हो गया अश्वनी. सो CA अश्वनी इज लेफ्ट. या नाउ आई एम गोइंग टू सेंड टू CA अश्वनी. जस्ट अ मोमेंट अश्वनी. सो गाइस, खेलने में मजा आएगा ना, है ना? फर्स्ट 15 को मिलना चाहिए. हे भगवान, ये तो तुम लोग मुझे लूट लोगे. टेक फ्राइडे बंद करना पड़ेगा. अश्वनी, तुम्हारे दो दो आ रहे हैं भाई, तो दो दो जगह से लॉग इन हो. मैं किसी एक पे भेज रहा हूं, तुम देख लेना. ओके, ये फर्स्ट 7, ये अजीब अजीब सी डिमांड आ रही हैं ये. ग्रेट ग्रेट. सो एनीवेज, आप सबके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. तो गाइस, मैंने ना एक अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग एक गैजेट्स की लिस्ट बनाई. आपको तो पता ही है कि मैं एक टेकी हूँ, तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग से गैजेट्स वगैरह ढूंढता रहता हूँ. तो इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, अगर आप लोगों को भी कोई चीज़ अगर अच्छी लगे तो वो आप मुझसे शेयर करिए. तो ये लिंक है itbx.in/crazy. सो दिस आर अ लिस्ट ऑफ यू नो, दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग गैजेट्स दैट आई फाइंड ऑन Amazon. तो मैं एक दो दिखाता हूं आपको. तो गाइज, ये लिस्ट मैंने लिंक आपको साथ भी शेयर कर रहा हूं. ओके, गैजेट्स का लिंक. तो इसका नाम है itbx.in/crazy. ओके, itbx.in/crazy. फॉर पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग अ रिप्ले, यू जस्ट हैव टू टाइप itbx.in/crazy इन द ब्राउजर एंड दिस लिस्ट विल ओपन. तो इसमें क्या क्या है देखते हैं, एक दो चीजें दिखाता हूं. सो व्हाट आर सम ऑफ दोस थिंग्स. सो राइट हियर You will see, एक ये देख रहे हैं आपकी, ये क्या अच्छा मुझे दिखाई दिया. दिस इज अ पावर स्ट्रिप एंड कॉर्ड ऑर्गेनाइजर बॉक्स. तो इसी बॉक्स में पावर स्ट्रिप भी है, तो गन नहीं मचेगा. एंड योर एवरीथिंग विल बी नीटली ऑर्गेनाइज अंडर योर टेबल. ओके, सो एवरीथिंग विल बी नीटली ऑर्गेनाइज अंडर द टेबल. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने अपने स्टाफ के लिए लैपटॉप लेना है, एक अच्छा लैपटॉप लेना है. तो ये अवीटा एसेंशियल, तो दिस इज अ नाइस लैपटॉप. ओके, दिस इज अ नाइस लैपटॉप. हम लोग यूज भी कर रहे हैं अपने ऑफिस में, एंड वी आर फाइंडिंग इट टू बी गुड. इसका थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव वर्जन भी आता है जिसमें 8GB रैम होती है. इनकेस यू नो यू फील कि ज़्यादा विंडोज या ब्राउजर्स खोलेगा बंदा, तो फिर आप 8GB वाला वर्जन ले लेना इसका. ओके, देन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मशीन, जो हम BP मेजर करते हैं घर में, तो वो जो बड़ी मशीन है दो आर वेरी कम्बरसम. तो दिस वन आई फाउंड टू बी वेरी गुड. ये मैंने खुद भी खरीद ली है ओमरॉन. तो दिस इज रिस्ट बेस्ड. The only thing you have to remember is that कि जब BP ले रहे होते हैं ना, इससे तो थोड़ा सा उसका हाथ का लेवल बराबर होना चाहिए. तो पुट सम पिलो और समथिंग अंडर द हैंड एंड देन टेक द मेजरमेंट. ओके गाइस, तो ये एक अच्छी चीज है. दिस इज पॉप सॉकेट, दिस इज वेरी नाइस. ये जो फोन के पीछे लग जाते हैं ये, और इसको निकाल भी सकते हैं. तो इसको ना ग्रिप होना अच्छा हो जाता है, फोन को ना स्टैंड भी बन जाता है ये, और इसको आप हटा भी सकते हो. सो दिस इज पॉप सॉकेट, यू कैन फाइंड दिस. Another thing for people with gardens or outside terrace area, so these are amazing lights. मैंने पहली बार ये चेन्नई में Sheraton Hotel में देखी थी. I was in Mahabalipuram for a wedding. तो बहुत ही amazing, बहुत ही सुंदर लगती हैं ये. और ये solar हैं. पहले तो हमें लग रहा था कि ये solar है ही नहीं, ये किसी तरह से इनको power दिया गया, right? But ये इतनी amazing चीज़ आप लगा के देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा. तो बड़ी सुंदर लगती हैं ये. इनमें ना ऐसा लगता है आग जल रही है इसके अंदर, बिल्कुल मशालों की तरह से जलती है. Another one that I found very, very useful, guys, is this. This is a standing table. So, agar aap log office mein bahut der baithe rehte ho,
तो ये जो टेबल है ये टेबल ना खड़ी हो जाती है और मोटराइज्ड है ये, इसकी हाइट अपने आप चेंज हो जाएगी, इसमें मेमोरी सेटिंग्स हैं। ओके तो इसके अंदर ना मेमोरी सेटिंग्स हैं, वेरी वेरी नाइस। तो मैं तो इसको घर पे यूज़ कर रहा हूँ और बहुत देर बैठ जाता हूँ तो बस बटन दबाता हूँ ये स्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाती है, एवरीथिंग इज राइट देयर ऑन द टेबल इटसेल्फ। तो वेरी वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु डू वेरी लॉन्ग सिटिंग, क्योंकि ज़्यादा बैठना अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, राइट गाइस। तो गाइस देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, दिस इज लाइक अ राउटर यूपीएस, तो राउटर के लिए यूपीएस है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी, जो प्लीज़ फील फ्री टू ब्राउज थ्रू दिस। जैसे अगर आप घर में बैठ के सोफे पे मूंगफली खा रहे हो तो कितना गन मचता है, राइट तो उसके लिए देखेंगे, ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, तो दिस आई हैव केप्ट विद मी एंड ये बड़ा ही जबरदस्त छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है और सारा वो आपके जो भी गन मचाया आपने वो सब साफ कर देता है। तो यू नो थिंग्स लाइक दिस, थिंग्स आई फाउंड टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज गो थ्रू दिस, हैप्पी शॉपिंग एंड ऑल्सो आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिकमेंडेशन। चीजें जो आपको पसंद है मुझे जरूर व्हाट्सएप करिएगा। So, I hope you're finding this interesting. And also, I like to invite today, you know, I will like to invite my team members today. मैंने ना इनको बोला हुआ है कि हर बार टेक फ्राइडे में ना आप भी कुछ अपने एरिया से इंटरेस्टिंग चीज शेयर करो। तो अनुराग, आज आप क्या शेयर कर रहे हो? तो अनुराग इज आर एक्सपर्ट ऑन GWS, that is Google Workspace. So Anurag, what are you sharing? So Anurag, I'll just allow you to unmute yourself. Just hold on. Yes, sir. You can unmute, right? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, everyone. So आज मैं टिप में दूंगा कि बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि यूजर अपने इन पे पासवर्ड चेंज ना करे। लाइक एडमिन कंसोल से हम लोग यूजर का पासवर्ड रीसेट करते हैं और यूजर को अकाउंट हैंडओवर कर देते हैं। तो यूजर क्या करता है, अपने एंड पे पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि वो अपने एंड पे कभी पासवर्ड चेंज ना कर पाए, तो उसको ना मैं आपको दिखाता हूँ कि जी सूट एडमिन कंसोल से हम इस चीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि आपके यूजर पासवर्ड चेंज ना करें। आप जो भी पासवर्ड उनको दोगे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि उसी पासवर्ड को यूज करें। ठीक है, तो सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। गो अहेड। जी शूट एडमिन कंसोल में जैसे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने साइन इन कर रखा है, ये एक मेरा अकाउंट है। ठीक है, अब ना इस जैसे हम लोग पासवर्ड जब भी अपना चेंज करते हैं तो यहाँ से करते हैं, कोई भी यूजर जब भी अपना पासवर्ड चेंज करता है तो इस 9 डॉट पे क्लिक करता है, अकाउंट पे आता है और यहाँ पे पर्सनल इन्फो के अंदर पासवर्ड का ऑप्शन होता है यहाँ पे। यहाँ से कोई भी यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप जब देखोगे अभी जैसे ना मैं अपने पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने अपने पे क्लिक किया और आप देख रहे हो कि मेरे officeuitbox.com का URL रिडायरेक्ट हो गया, उन्हें पासवर्ड मतलब मुझे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिखा। तो ये सेटअप होता कहाँ से, इसको हम लोग सेटअप करेंगे कहाँ? आप जो भी URL डालोगे जब भी कोई यूजर अपना पासवर्ड, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी स्क्रीन फ्रोजन है, ये एक ही स्क्रीन दिख रहा है अभी तुम्हारा, SSO विद ये जो CITbox.com दिखाई दे रहा है। जी जी, मैं एक बार अभी फिर से शेयर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेक श्योर कि आप पूरा डेस्कटॉप शेयर करो। जी अभी विजिबल है? हाँ अभी विजिबल है। सो जब भी कोई यूजर जैसे मैं आपको दिखा रहा था, फिर से अब दिखा रहा हूँ, पासवर्ड चेंज करता है, यहाँ पे क्लिक करके माय अकाउंट का ऑप्शन होता है। माय अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिखता है। ये यूजर एंड पे होता है, एक तो एडमिन कंसोल से हम लोग चेंज करके देते हैं, एक यूजर एंड पे यूजर अपना पासवर्ड चेंज करता है। तो जैसे ना मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि आपको मेरी वेबसाइट दिखेगी या मैंने जो भी URL, अगर आप google.com या कुछ भी एंटर कर दो, जो भी आपको URL रिडायरेक्ट करना है आप करोगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, पासवर्ड चेंज होगा नहीं। तो ये सेटअप हम लोग कहाँ से करते हैं? ये सेटअप हम लोग करते हैं जी सूट एडमिन कंसोल में सिक्योरिटी। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ये मेरा एडमिन कंसोल है। एडमिन कंसोल पे सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है,
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटअप सिंगल साइन ऑन SSO विथ अ थर्ड पार्टी IDP. जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा SSO प्रोफाइल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे URL का ऑप्शन होता है. जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैं ना इस URL को अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इसको सेव कर दे रहा हूँ. ठीक है, मैंने सेव किया हुआ था URL, दैट्स व्हाई वो रिडायरेक्ट कर रहा था मुझे मेरे जो ऑफिस की वेबसाइट है उस पे. अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैंने URL हटा दिया, चेंज करने का मैं ट्राई करता हूँ कि पासवर्ड मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं. तो फिर से मैं पर्सनल इन्फो पे आऊंगा और मैं पासवर्ड पे आता हूँ. अब देखो, अब आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे ये बोल रहा है आईडी मतलब मेरा पासवर्ड एंटर करने के लिए, बिकॉज अकाउंट ऑथेंटिकेट करेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए. और आप देख रहे हो कि अब मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, तो अगर अपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो अपने एंड पे पासवर्ड चेंज ना करें, आपके दिए हुए पासवर्ड को ही यूज करें, तो आप एडमिन कंसोल में सिक्योरिटी पे SSO विथ थर्ड पार्टी LDP पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो पासवर्ड अपने एंड पे चेंज ना करें. तो ये टिप आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, अगर आप यूज करें तो काफी मतलब अच्छा रहेगा, आपके दिए हुए पासवर्ड के मतलब पासवर्ड से ही आपके यूजर साइन इन कर सकेंगे. तो अगर आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा टिप दिया आपको. गाइस, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर सभी को अच्छा लगा ये. इसका ना लिंक भी एक बार टाइप, ये लिंक ना मैं चैट में डाल दो. हाँ, जस्ट इन केस पीपल कैन जस्ट कीप इट विद देम. तो गाइस, आप देख रहे हो कि अनुराग इज आर एक्सपर्ट फॉर जी सूट. एंड अगर आप लोग जी सूट लेना चाहते हो, आप उसको ले लिया है, आपको उस पर डिस्काउंट चाहिए, रिन्यूअल कराना है, या आपको सिक्योरिटी सेटअप कराना है, कुछ भी चीज़, कोई भी इशू अगर आपको लगती है, तो अनुराग अपना ईमेल आईडी शेयर कर देता है. जी, मैं ईमेल आईडी भी डाल दे रहा हूँ और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी, आप अगर इस पर रजिस्टर कर देंगे तो मैं आपको कॉल भी कर लूंगा. अगर आपको रिन्यूअल भी कराना है या जी सूट के बारे में कुछ भी पूछना है, लाइक उसके लिए मैं आपको मतलब कॉल कर लूंगा और सारी चीजें समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा. प्राइसिंग भी अच्छी मिलेगी, फीचर्स तो मैं सारा यूज करना बताऊंगा, मतलब 100% आपको दूंगा. थैंक यू विवेक सर. सो लाडू राम जी, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए एक अब अपनी स्क्रीन शेयरिंग आप स्टॉप कर दो. जी, सो अनुराग का नंबर ऊपर डाल दिया है हमने, ऊपर डाला है, अभी भी डाला है. तो सो गाइस, आपको आज का सेशन कैसा लगा? आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ चीज है आपके लिए. ओके, तो बट लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगा? डिड यू फाइंड दिस टू बी इंटरेस्टिंग? वाज इट वर्थ योर टाइम टुडे? व्हाट डू यू थिंक गाइस? मैंने कहा थोड़ा फीडबैक भी लेना जरूरी है ना. So guys, you can unmute yourself. You can unmute yourself. Go ahead. You can unmute yourself. So, Sanjeev ji, Shailendra this side. हाँ जी. और मतलब मैं being a tech savvy person, मुझे तो code खेल के तो मजा आया. ठीक है. और मैंने बच्चों के साथ तीन device पे cheating करने की कोशिश की, मैं एक में भी number नहीं आया मेरा. So, शैलवी भी मैं था, विजय भी मैं था, और मेरी एक डॉटर थी, वो भी खेल रही थी. वी ट्राइड बिल्डर, ने काफी सारी गलतियां कर दी, जो कुछ गलत होती है नीचे आ गए. राइट. बट एनीवे, अदर देन आई एम अ टेक सेवी पर्सन, जो आपने गैजेट लिस्ट शेयर करी, एंड एवरी सेक्शन एंड एवरी पार्ट ऑफ योर टेक सेवी मैं हर बार अटेंड नहीं कर पाता, बट आई ट्राई टू जंप इन व्हाटएवर पॉसिबल, एंड बीच बीच में आपके रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ. सो दिस इज वेरी हेल्पफुल, एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग एज अ वैल्यू टू द बिजनेस ओनर्स एंड एवरीथिंग, इट्स रियली वर्थवाइल, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. Thank you so much, Shailendra. Brigadier Sharma, you would like to say something? Yeah. This is the first one, you know, your Friday session that I'm attending. And I certainly found it very, very, very relaxed, very easy, and, you know, interactive at the same time. Particularly the quiz was very good. And the tips that you gave about, you know, the daily routine, adding up to a monthly and a yearly routine,
I think it is well, you know, we all know it, but you put it in a manner that I think it is going to help a whole lot of people, you know, make their routines much better than what they are doing today. I think I must thank you for a wonderful, very relaxed session and a lot of learning in that, I must say. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. Thank you, Brigadier Sharma. So, guys, another thing, if you love these sessions, I will share a link with you. मैं चैट में एक लिंक डाल रहा हूँ, ये लिंक पे क्लिक करके ना ये अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए फॉर द नेक्स्ट इवेंट दैट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे, ओके, ताकि आपके कैलेंडर में ऐड हो जाएगा ये. तो मैंने एक लिंक आपसे शेयर किया है, यू विल ऐड दिस टू योर कैलेंडर. एंड नेक्स्ट सैटरडे आई एम डूइंग अ सेशन, तो नेक्स्ट सैटरडे मैं एक सेशन कर रहा हूँ ऑन HR एंड फाइनेंस, तो 2:30 PM to 4:30 PM. तो उसमें मैं दिखाऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं HR और फाइनेंस की ऑटोमेशन में. तो HR में ना पूरा HRMS कैसे बन जाता है, तो यू नो इतनी सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड यू नो फाइनेंस. बिजनेस में देखा जाए तो ये अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस आइडिया, ये दो ही चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं और ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स इन दोनों चीज़ों में मार खाते हैं, राइट? तो और ये दो चीज़ें अगर आपने मास्टर कर लिया, ठीक है ना, ये दो चीज़ें अगर मास्टर कर लिया HR और फाइनेंस, तो और कोई भी चीज़ नहीं रह जाती, राइट? तो ये जो इवेंट है ये वैसे तो फ्री है, बट इसका हम एक कमिटमेंट चार्ज लेते हैं 99 rupees का, जस्ट टू मेक श्योर दैट पीपल कम, दे जस्ट डोंट रजिस्टर एंड नॉट टर्न अप, ओके? तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस इवेंट. तो ये HR एंड फाइनेंस, ये इसके लिए है. तो आप में से जो लोग करना चाहें, यू आर वेलकम टू डू दैट. सो थैंक्स, विवेक हैज जॉइंड अस. सो इफ यू लाइक यू कैन ऑल्सो कम फॉर नेक्स्ट सैटरडे, मतलब अगले सैटरडे 2:30 to 5:30 के करीब रहेगा, ये 3 घंटे का ये रहेगा, जिसमें मैं HR और फाइनेंस की ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजीज दिखाऊंगा दैट आई एम यूजिंग इन माई कंपनीज. सो नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट अनदर ऑफ आर एक्सपर्ट, अभिषेक. सो अभिषेक, आर यू देयर? एक्सक्यूज मी सर. हेलो, यस, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. सर, कैन आई शेयर फॉर अ मिनट प्लीज? Yeah, please go ahead. Sir, I did not knew anything regarding technology. So, पहले तो मैं आपको introduce कर दीजिए. Sir, I am Dr. Juneja, Dr. P. Juneja. I am calling from Capco Company, and I did not knew anything regarding technology. Sir has taught us, sir and the team. Sir, आप तो क्या, आपकी team is like मतलब बहुत डर लगता है इन लोगों के सामने बैठने में. And such a humble person with a humble team, number one. Number two, sir ne humko ye direction nahi diya only technology ka. He has also introduced to finance guy, Arpit Arora, the wise guy. Sir, ab aap itne chote chote bachcho ko, matlab hum log ka teacher bana dete ho, and we feel so depressed, bol do, yes. But still, I mean, on a positive note, I haven't given up. I am going to start taking his classes from tomorrow. So not only technology, sir is empowering us with finance, and now he has taken a commitment for HR also. So sir, सारी पढ़ाई आप इस जन्म में ही करवा दोगे क्या हमें? बिल्कुल बिल्कुल. अब आपका transform करना है, ठीक है ना? Fortune 500 में लेके आना है, तो you have to be master of everything. Yes, in morning prayer, sir, all my teachers, आपकी team और जितने भी अब teachers हैं सर, इनके लिए बहुत सारा gratitude हम लोग सुबह करते हैं सर, meditation. Great. Thank you so much for everything. No, we are very very grateful and thank you so much. And मतलब आपकी बात सुनकर और हमारा motivation बढ़ गया और हम कोशिश करेंगे. So thank you so much. जी. So now, thank you for the amazing sharing, and I'd like to invite Abhishek. Abhishek, where are you? Yes, Abhishek is right here. Right, yes, sir. Abhishek, you can just wave your hand at everyone, and so that they know that you are here. So, guys, this is Abhishek. So, Abhishek, what are you doing us today? What are you going to show us today? So, sir, it's an amazing technique. Basically, if you have certain set of numbers, to quickly figure out ki is number mein koi trend hai ki nahi. If it is just simply fluctuating up and down, or is it going upwards or is it going downwards, or was it up and now it's come down, we have an option called spark lines. So before you proceed, guys, so Abhishek is our de facto expert on all the things Google Sheets analysis, data management, flow management, workflows. So Abhishek badi cheezein karate hain.
तो लेकिन मैंने बोला कि आज एक छोटा सा कुछ टिप इंटरेस्टिंग सा शेयर करें, तो ही इज टॉकिंग अबाउट टिप, सो गो अहेड नाउ. सो बेसिकली दिस यू आर टॉकिंग अबाउट इज पार्क लाइन, राइट? यस सर. Sanjeev sir, thank you, and you create very large shoes for me to fill in. I'm really trying. So, Sparkline ये एक formula है, ठीक है ना? ये आप एक cell के अंदर एक छोटा सा आप graph बना सकते हैं, ठीक है? ये बड़ा ही intuitive सा एक formula है, and ये लगता तो initially simple है, ठीक है ना? But if you start exploring this formula, there is a lot within this formula, ठीक है ना? So for those of you who know Sparkline already, we would definitely share a few pro tips in whatever time I have left, and I'll also give you guys resources through which you can very quickly pick up the syntaxes and you can basically learn. So abhi yahan pe dekhiye, if you have to write the Sparkline formula in a particular in a single cell, aapko kya karna padega, aap equals to kar lijiye and Sparkline, theek hai, aur yahan pe simply select this, theek hai, and hit enter. आप देखिए एक सेल के अंदर आपका जो फ्लक्चुएशन है वो सारे यहाँ पे आ गया. यू कैन इवन प्ले अराउंड विद द हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी बेसिक वन. अब इसके साथ देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस, लिटरली टन्स ऑफ ऑप्शंस. एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अभिषेक, कैन यू ऑल्सो शेयर सम काइंड ऑफ अ शीट विद द पीपल, दे कैन एब्सोल्युटली. आई सो द आइडिया इज टू शेयर दिस एंटायर शीट विद एवरीबॉडी. सो आई वाज थिंकिंग आई कैन डू दिस. हां, मैंने कहा बहुत सारे लोग मुझसे फ्री गिफ्ट मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये शीट भी शेयर कर देना. सो हियर इज वन फ्रॉम अस. तो गाइस, सो यू कैन गो टू itpx. बल्कि व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कन्वर्ट इट इनटू एचटीटीपी लिंक, जो कि लोग क्लिक कर सकते हैं. बिकॉज़ ये देखिए, अब आप क्लिक कर पाएंगे इसको. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड मेक अ कॉपी ऑफ दिस शीट. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, और यू कैन टाइप दिस इन, जो लोग इसका रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, itbx.in/spark. ओके, सो दैट इज itbx.in/spark, एंड दिस विल स्क्रीन विल कम वेयर यू कैन क्लिक एंड मेक अ कॉपी ऑफ दिस थिंग. तो इधर से ही अभिषेक आपको ये दिखा रहे हैं. ओके, so over to you, Abhishek. Thank you, sir. So यहाँ पे अभी काफी सारा चीज है इसी शीट में. मैंने अभी हाइड करके रखा है, so that you don't get overloaded with too much data. अब देखिए इसका जो है, ये तो भी सिंपल सा है, ठीक है? If you want this, to be a little more formatted, ठीक है? If you want a background color, you can always put a background color, from here as well, ठीक है ना? But if you want कि लाइन थोड़ा थिक हो जाए, इसमें थोड़ा कलर आ जाए, you have options like this. ये curly brackets के अंदर आप चार्ट टाइप चूज कर पाएंगे, ठीक है? चार्ट टाइप इसके अंदर आप यू कैन पुट लाइन, कलर के बाद देखिए यू कैन चूज कलर इंडिगो, उसके बाद लाइन विड्थ है. इफ यू इंक्रीज द लाइन विड्थ, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, लेट्स से इफ आई, दिस इज ऑलरेडी 5, लेट मी मेक दिस 2, सो दिस लुक्स अ लिटिल बेटर, ठीक है? सो नाउ लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर अ फ्यू डिफरेंट चार्ट टाइप्स, एंड आई विल, सो द लिंक दैट वी हैव शेयर्ड विद यू, there you will have a file where you have option to click here, okay, and you can basically go to the repository which documents different kinds of options that you have. ye google ka apna link hai. yahan pe dekhiye different kinds of chart type that you can build within a single cell, theek hai na? You have a line, you have a bar, you have a column, you have a win loss, theek hai? And then under that you have options to basically point out the minimums and the maximums within that same bar itself. Okay, you can play around with color, the lowest color, the highest color, the first color, last color, multiple things you can play around with. I will just introduce you all to how to use these functions, and then you can use any of these options to get it the way you want. When it comes to color, you can even, it goes to the point of letting you all use even the hex code of a color, which is the exact color, let's say from your logo, you can use that. Abhi, let me take the next one. This is a simple line chart. Ye simple line chart karne ke liye humne kya kiye? Yahan pe, let's say we have your sales figures, okay? Aur yahan pe ye jo daily sales hai, this is telling you that you had a spike, but now, it is sort of coming down. Thanks to Omicron. Okay. Here, let's look at another example. Okay. We can use something like a column chart here like this. ठीक है? Column chart में आपको क्या करना पड़ेगा? You will type Sparkline like this. और यहाँ पे उसके बाद curly braces के अंदर
आप सबसे पहले चार्ट टाइप टाइप करेंगे, उसके बाद यू पुट अ कॉमा हियर लाइक दिस एंड देन यू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉलम टाइप. ठीक है, तो उससे आपको ऐसे कॉलम्स आ सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस. इट्स अ स्लाइटली यू नो मोर एडवांस्ड यू नो ऑप्शन ऑफ अ कॉलम टाइप, जहां पे हमने कलर भी डिफाइन किए हैं. यहाँ पे ये देखिए, कलर इज स्टील. ठीक है, नेगेटिव कलर जो है दैट इज पर्पल. यहाँ पे वैसे नेगेटिव कोई वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो मैं एक को नेगेटिव वैल्यू कर देता हूँ. ये देखिए 99, लेट्स सी इफ आई मेक दिस -99. सो ये देखिए नेगेटिव में आ गया ये. ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन जस्ट वन सिंगल सेल, राइट? तो यू नो दिस इज अगेन यू नो वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. यू कैन पुट अ यू नो लो कलर के लिए मे बी यू कैन पुट अ रेड, फॉर अ हाई कलर यू कैन पुट मे बी अ ग्रीन. ओके, यू कैन जस्ट टाइप द कलर नेम्स लाइक आई सेड, और यू कैन ऑल्सो टाइप द हेक्स कोड ऑफ द कलर. अभी हेक्स कोड ऑफ द कलर आपको कहाँ पे मिलेगा, लेट्स फाइंड दैट आउट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये भी हमने कहीं पे डाल के रखा. हाँ, कलर कोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. लेट मी पुट दिस इन द चैट एक बार. यस, दिस इज प्राइमरी टू व्यू नंबर्स. Okay, so let's have a look at this now. So again, these are all individual chart types. यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जो color codes का हम बात कर रहे थे, this is an hex code of a color. ठीक है, color one, color two, then max value. Max value को आपको इसके अंदर इसपे define कर सकते हैं. ठीक है, and NAN, I forgot what this is. I'll have to check what is NAN here. एक second. Sets how to treat cells with a non-numeric data. ठीक है, so please you know you will the first time when you are doing this you will have to refer to you know the क्या बोलते हैं documentation to sort of you know understand. ठीक है, so these are basically the options that's there. Similarly there are you know other chart types as well. यहाँ पे देखिए, you can have let's say you know a maximum value. यहाँ पे सो हियर द मैथ साइंस इंग्लिश मार्क्स आर बीइंग डिस्प्लेड हियर ऑन अ स्केल ऑफ 100. तो उस पे हमने क्या किया, चार्ट टाइप तो हमने यहाँ पे बार डाल दिए, मैक्स हमने डिफाइन कर दिए कि ये 100 है. ठीक है, सो व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज ट्रीटिंग दिस एंटायर सेल एज 100, और 100 में से 77 रिप्रेजेंट्स दिस मच ऑफ द वैल्यू. इसको अगर मैं 50 कर देता हूं, ये देखिए आधा हो जाता है. Right now, for those of you who thinks that you know, ये तो बड़ा simple है, ये तो मैं easily कर लूँगा. Let me just display you know one site of Ben Collins. Okay, just have a look at this site. This guy, he is awesome. He's like literally god level. ठीक है, he has created a clock going round and round like this using sparkline as the base formula. ठीक है, यू वांट द लिंक? ऑलराइट, हियर यू गो. सो जस्ट ट्राई दिस एंड दिस साइट अगेन यू नो वंस यू स्टार्ट गेटिंग प्रो यू कैन यू नो एक्सप्लोर यू नो ऑल दीज ऑप्शंस. यहाँ पे ये देखिए, सो ही हैज वीडियोस एंड ऑल ऑफ दैट. Also, the good part about him is, you know, he has a interactive, you know, this thing here. So people keep, you know, writing to him, and I've seen him, you know, respond also. So it's super nice. We are also doing some of his courses, pretty complicated ones, but basically, you know, just trying to, you know, stay on top of technology. So abhi ke liye, basically, I just, you know, this is all I had, you know. So thank you so much, everybody, for your time. We shall end it here for today. Thank you so much, everybody. I shall take your leave and have a good weekend. Bye-bye.